भूमहे वयम् पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पाजुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषादश्वा मरुतः पृष्णी मातरः शुभय्या वा आनो विदथे एषु जग्मायः अग्निजिह्वामनापस्सूरा चक्षसो विश्वे एनो देवा अवसागामन्निहा भद्रं कर्णे एभिश्रुणुयामदेवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमां सस्तनोभिर्व्याशेव देवहीतं यदायुः ओ जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत कथा के हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस घड़ी का हम सब इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ियों को खत्म भी करते हुए परम पूजनीय प्रातःअश्विनी है श्री संबित कैलाश चंद्र जी जोशी जी महाराज जी का आगमन हमारे मध्य हो चुका है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और साथ ही हमारे मध्य परम पूज्य भोमानंद जी सरस्वती जी महाराज जी जोधपुर से पधारे हैं। आपके श्री चरणों में कोटिश्य वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। और आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जितने भी भक्तगण बाहर खड़े हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो निवेदन रहेगा कि आप कथा प्रांगण में आकर बैठ जाएं। जय श्री कृष्णा। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मध्य परम पूजनीय है प्रातःअश्विनी है हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य संत महात्माओं का आगमन हुआ है। कि संत हमारी आत्मा मैं संतन की देव रोम रोम में रम रहा प्रभु ज्यों बादल में मेघ। ऐसे संत महात्माओं का हमारे मध्य आगमन हुआ है, उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। के भाई साहब जो सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं कि आप महाराज श्री का स्वागत करें। और साथ में अजीत जी छगानी साहब परम पूजनीय प्रातःअश्विनी है भोमानंद जी सरस्वती जी महाराज सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं। आपका इस फलोदी की पावन धन्य धरा पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान के भाई साहब आप पधारे, पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। और साथ ही अजीत जी छगणी
आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी मंच की ओर पधारें। पूज्य महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, आपके श्री चरणों में कोटिश्य वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा के हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा व्यास परम पूजनीय प्रातःश्मणी है, सूर्य नगरी जोधपुर से निकलकर जिन्होंने हिंदुस्तान भर के अंदर जो भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और फलोदी में ही जाए जन्मे और फलोदी की पावन धन्य धरा पर विशालतम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और पूज्य महाराज श्री समित कैलाश चंद्र जी जोशी जी महाराज के मुखारविंद से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिश्य वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि संत हमारी आत्मा में संतन की देव आपके श्री चरणों में कोटिश्य प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भाई के भाई साहब सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं और अजीत जी छगानी साहब आपसे भी निवेदन रहेगा कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। परम पूजनीय भवानंद सरस्वती जी महाराज जो कि सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं उनके श्री चरणों में कोटिश्य वंदन करते हैं और इस विशालतम श्रीमद् भागवत कथा का सीधा प्रसारण संस्कार चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। देश और विदेश में बैठे हुए भक्तगण इस कथा का आनंद ले सकते हैं और साथ ही इस कथा का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट पूज्य महाराज श्री का यूट्यूब चैनल संबित कैलाश चंद्र जोशी जी महाराज के माध्यम से किया जा रहा है और साथ ही फलोदी की जो लोकल केबल है उसके माध्यम से भी सीधा प्रसारण किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा घर पर बैठकर भी इस कथा का लाभ ले सकते हैं। पधारे हुए समस्त मेहमानों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी का हम सब लाभ ले रहे हैं, अमृतमय वाणी ओजस्वी वाणी का हम सब लाभ ले रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा के भाई साहब जो सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं कि आप पूज्य भागवत जी का पुष्प अर्पित कर पूरा परिवार आपका संपूर्ण पूरी विथ फैमिली निवेदन रहेगा, उनका पूरा परिवार आज हमारे मध्य उपस्थित है। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भागवत जी का पुष्प अर्पित करें और साथ ही पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। के भाई साहब उनका पूरा परिवार जो हमेशा पूज्य महाराज श्री की कहीं भी कथा होती है तो आप साथ में ही रहते हैं, आज आपकी धर्मपत्नी, आपकी सुपुत्री और आपके सुपुत्र यहाँ पर पधारे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। के भाई के मेहमान पधारिया आंगणे, मेहमान पधारिया आंगणे, हिबड़े हाथ धरा थाल भरा गज मोतिया सो जिन पर नैन धरा। मोतियों से महंगे मेहमानों का स्वागत सत्कार सम्मान अभिवादन, जितने भी बाहर से हमारे मध्य मेहमान पधारे हैं उन सभी का पुनः स्वागत करते हैं इस महालक्ष्मी कटला के प्रांगण में। माताओं बहनों से निवेदन है थे पीछे बैठिए, थोड़ी आगे आ जाओ, बीच की जगह क्या छोड़ी, अटे कहेंगे रंगोली गौरव कहीं रंगोली बनाओ कहीं, हाँ थोड़ी आगे आ जाओ। अच्छा कूलर हवा भी चीज है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन अब पूरा वातानुकूलन है एकदम, एसी बना लिए, कितनी सुंदर व्यवस्था है। एक बार जितने भी व्यवस्था देख रहे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरे दिवस में हम आरंभ होने जा रहे हैं, बस पूज्य महाराज श्री का भी स्वागत कर रहे हैं और पूज्य महाराज श्री पधारे हुए अपने जो मेहमान गण हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई के भाई जो हमेशा पूज्य महाराज श्री के साथ रहते हैं उनका इस मंच के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। फलोदी की पावन धन्य धरा है और अभी फलोदी को जिला भी बना दिया गया है, बड़ी कृपा रही है सरकार की, बहुत सारे जिले बनाए हैं लेकिन फलोदी की मांग भी थी और पूज्य महाराज श्री आपने भी मांग की थी कि फलोदी को क्यों नहीं जिला बनाया जाए, क्योंकि आपका जन्म स्थान, आपकी ये जन्मभूमि है और जन्मभूमि आज जिले में बदली गई है तो बहुत ही खुशी का पल है। और जिला बनने के बाद पहली बार पूज्य महाराज श्री की यह कथा हो रही है, विशालतम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच पर उपस्थित मेहमानों से कि आप अपने सामने ठीक अपना यथा स्थान ग्रहण करें और कथा आरंभ करने से पूर्व पूज्य महाराज श्री को माइक्रोफोन लगे हुए हैं उनसे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मध्य परम पूजनीय
प्राप्त अश्विनी है, सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं पूज्यपाद भोमानंद जी, सरस्वती जी महाराज, उनका स्वागत करते हैं। और मैं भाई आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक स्टैंड लगा है माइक पूज्य महाराज श्री के आगे, जो आशीर्वचन पूज्य महाराज श्री का होगा, या फिर हाँ कोडले से ही महाराज श्री आपके श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करते हैं। एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। महाराज श्री पहले स्वागत कर रहे हैं हमारे कथा व्यास। ये अंतर आत्मा का भाव है, एक दिल से दूसरा दिल मिलता है तो एक बन जाता है, इसलिए आप ये भाव देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। सनातन संस्कृति का निर्वाह करते हुए आप देख रहे हैं दुपट्टा उठाकर राधे राधे का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं पूज्य भवानंद सरस्वती जी महाराज, जो सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं। और क्योंकि सूर्य नगरी क्यों कहा गया है, क्योंकि के भाई सूरज की पहली किरण पूरे विश्व में अगर पड़ती है तो सूर्य नगरी जोधपुर के ऊपर पड़ती है, और वहीं से उजाला लेके आए हैं और स्वागत कर रहे हैं आप महाराज श्री का। पूज्य महाराज श्री से निवेदन करना चाहूंगा, स्वागत कर रहे हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमारे संगीतमय टीम है पूज्य महाराज श्री के साथ में, उन सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज श्री। ये हमारी संगीतमय टीम पूज्य महाराज श्री के साथ लगातार रहती है, उनकी लय ताल सुर आप देख रहे होंगे किस तरह से, क्योंकि इनके बिना तो सारा अधूरा ही है मामला। और उनका स्वागत कर रहे हैं महाराज श्री के, संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता, सच कहता हूं इस जिंदगी में कोई गीत ना होता, संगीत कभी कभी सुर से मिलाता है और संगीत ही हमें ईश्वर से मिलाता है। इस माध्यम से संगीत जितने भी संगीत वादक है माँ सरस्वती के लाडले सुपुत्र, उन सभी का स्वागत, सम्मान, अभिवादन। बहुत ही सुंदर ये बड़पन आपका पूज्य महाराज श्री। और आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस का आरंभ हो चुका है, जितने भी भक्तगण बाहर खड़े हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कथा प्रांगण में आकर बैठ जाए, और क्यों नहीं बहती हुई गंगा में अपने पापों को धो दिया जाए। और कुछ ही पलों में बस पहले आशीर्वचन होगा पूज्य भोमानंद जी सरस्वती जी महाराज से, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी अमृतवी वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से 5-7 मिनट हमें आशीर्वचन के तौर पर हमें लाभान्वित करें। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें महाराज श्री से। मैं और हमारे बीच में जैसलमेर की पावन धन्य धरा से पधारे हैं मनोहर जी छगाणी साहब, अपनी धर्मपत्नी सहित आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच की ओर पधारे, अपना पुष्प भागवत जी पर अर्पित करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, मैं निवेदन करना चाहूंगा। उसके पश्चात महाराज श्री का आशीर्वचन होगा। मनोहर जी, जैसलमेर की धन्य वो धरा जहां पर तनोट माता जी है, और वहां पर जिस तरह से आपने वहां पधारे हैं अपना अमूल्य समय निकालकर, मनोहर जी छंगाणी साहब अपनी धर्म पत्नी के साथ में, शिव पार्वती की जोड़ी है साहब, तो एकदम परमानेंट भेड़ी रहे साहब, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो मौको कम ही मिलिया करे, बाकी आदमी तो आ जावे पर देवा में देवी बड़ी गहरी धनिया ना थोड़ी कम लाया करे, लेकिन मनोहर जी आप बहुत सौभाग्यशाली है और महाराज श्री का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। मनोहर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, नाम ही मनोहर है तो फिर मन भावन हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर पधारे हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। जैसलमेर को वैसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी, वहां से पधारे हैं, आपका स्वागत, सम्मान, अभिवादन। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, हम सबको भागवत के अंदर चलना है, वहां पर विभिन्न प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी। उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मध्य सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं परम पूजनीय प्रात अश्विनी है पूज्यपाद भोमानंद जी सरस्वती महाराज जी से, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अमृतवई वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। ओम ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः, ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत्
व्याप्त देहाय श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम दो मिनट भगवत नाम संकीर्तन में स्मरण में अपने हृदय को पावन करें, वाक को पावन करें। राम आनंदम राम नाम आनंदम 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 कृष्ण आनंदम कृष्ण 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 नाम आनंदम सीता आनंदम राधा आनंदम सीता आनंदम राधा आनंदम सीता आनंदम राधा सीता राम राधे श्याम राधानंदम राधे श्याम राधानंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम कृष्ण आनंदम आनंदम कृष्ण नाम आनंदम शिवानंदम शक्ति आनंदम शिवानंदम शक्ति आनंदम शिवानंदम शक्ति आनंदम शिवानंदम शक्ति आनंदम शिवा शक्ति नाम शिव नाम आनंदम शिवा शक्ति नाम शिव शक्ति आनंदम राम आनंदम आनंदम कृष्ण आनंदम राम आनंदम राम नाम आनंदम राम कृष्ण राम श्री राम आनंदम राम कृष्ण राम आनंदम राम आनंदम राम आनंदम। माँ लटियाल के लाडली दुलारी नगरी पूज्य श्री संबित गुरुदेव के ये लाडली दुलारी संबित नगरी ये वेद भूमि ये फल वृद्धि नगरी जहाँ वेद की ऋचाएं जहाँ के वातावरण में अनुभव की जा सकती हैं और उसमें भी ये श्रावण मास और श्रावण मास में भी अधिक मास श्रावण मास और उसमें अधिक मास और उससे भी बड़ा श्रावण मास अधिक मास और श्रीमद् भागवत कथा। आप लोगों को पता नहीं है अभी ये कितने बड़े पुण्य का प्रताप है, कितनी बड़ी साधना का फल है, कितने बड़े तप का फल है
ये सबके पूर्वजों का, आप सबके जन्म जन्मांतरों का ये पुण्य फलोदय हुआ है और जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये अधिक मास, अधिक मास की एक बड़ी विलक्षण महिमा है। अधिक मास में संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसको मल मास कहा गया। और इस अधिक मास को सब देवों ने भी त्याग कर दिया था कि हम इसमें नहीं रहेंगे, अधिक मास में हम नहीं रहेंगे। मंगल कार्य के लिए लोगों ने भी त्याग कर दिया, तो लौकिक भी त्याग हुआ इसका और देवों से भी त्याग हुआ, ये परित्यक्त हो गया पूरी तरीके से। और सबने इसको कहा ये बिल्कुल व्यर्थ है, ये मल मास है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। देवों ने त्याग कर दिया, सबने त्याग कर दिया इस मल मास का। ब्रह्मा जी के पास में गए ये, ब्रह्मा जी से कहा ये क्या किया आपने, सबको इतना मांगलिक बनाया, मुझे मल क्यों बना दिया आपने, आप मेरा भी उद्धार कीजिए, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, सबने मेरा त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखिए, मैं तो भगवान का आज्ञाकारी हूं, जो भगवान की आज्ञा वो मैंने सृष्टि की है। हाँ, इसको अगर भगवान चाहें तो आपको मल से निर्मल बना सकते हैं, तो आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आप भगवान विष्णु की शरण में आए, ये मलमास रोने लगे, कातर हो गए कि भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ में, हमारा सबने त्याग कर दिया, देवों ने त्याग कर दिया, लोगों ने त्याग कर दिया, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, कोई अनुष्ठान नहीं होगा, कोई दैवीय कार्य नहीं होंगे, और आप तो करुणा निधान हैं, आप तो दया के सागर हैं, आप तो दीन हरता हैं, आप दीनों को, पतित पावनों को आप गले लगाने वाले हैं, पतितों को आप पतित पावन हैं आप, और आपके होते हुए अब मैं किसकी शरण में जाऊं, मुझे सबने ठुकरा दिया, मैं किसकी शरण में जाऊं। भगवान विष्णु करुणामय, भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, अरे जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे मेरे ठाकुर नहीं ठुकराते, कभी नहीं ठुकराते मेरे ठाकुर, मेरे भगवान कभी नहीं ठुकराते। सारी दुनिया जिसे त्यक्त कर दे, मल बना दे जिसको, लेकिन मेरे ठाकुर गले से लगाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें सबने त्यागा, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं ठुकराया, और इसलिए आज से तुम मल मास नहीं हो, आज से तुम पुरुषोत्तम मास हो, आज तुम्हारा नामकरण पुरुषोत्तम मास है, अब तुम सर्वोत्तम मास हो, तुम सर्वोत्तम मास हो। और एक बात बताएं, ये मोक्ष मास है, ये ज्ञान मास है, ये मोक्ष मास है, ज्ञान मास है ये। क्यों? क्योंकि इसमें मांगलिक कार्य कोई होते नहीं है। भगवान ने कहा अरे जो इस मास में होगा वो किसी मास में नहीं होगा, जो इस मास में पुण्य मिलेगा वो किसी मास में पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए इस मास के पुण्य सबसे अधिक होते हैं। इस मास के किए गए ये भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं आप, और बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं यहाँ पे वैसे परसों ही आ जाता, नहीं आ पाया किसी कारणवश। माँ चामुंडा के चहेते हैं आप, माँ लटियाल के लाडले हैं आप, संवित गुरु के लाडले हैं आप, भगवान गजानंद के दुलारे हैं आप, और बड़ा ही भगवती श्रुति का आप पर वरद हस्त है, आप पर माँ सरस्वती के वरद हस्त है, आप पर दुलारे हैं आप उनके व्यासपीठ पर विराजमान। मेरे अपने बड़े दुलारे हैं, इतने सारी कृपा लेकर के, और अपनी जन्मभूमि, ये बड़े गौरव की बात है फलोदी वालों के लिए, अपनी यहाँ जन्मभूमि इसी फल वृद्धि में आप सबको ये भगवत रसानामृत का
चरणामृत का, आपको जो पान करा रहे हैं ज्ञानामृत का, इसी पुरुषोत्तम मास में मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से आप जैसे राष्ट्र में सब जगह जा जा करके इस तरीके से धर्म का, संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करते हुए भगवत नाम के माध्यम से जो भारत में तो कर ही रहे हैं, और भारत के साथ में क्योंकि इन चैनलों के माध्यम से सारे सब जगह आपका यह संदेश जा रहा है इस कथा के माध्यम से, मैं यही भी प्रार्थना करूंगा भगवान से कि भारत के बाहर भी जल्दी आपकी कथा का आयोजन हो, ताकि वहां से हम भारत वाले भी यहां पे बैठ करके श्रवण करें, ये मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। भागवत, भागवत में कितने अक्षर हैं? चार अक्षर हैं, और इन चार अक्षरों में भाष शब्द, कीर्ति वचनो, ग शब्दो ज्ञानवाचक, सर्वेष्ट वचनो वश्च तो विस्तारस्य वाचक। ये भा क्या है? ये भा प्रतीक है कीर्ति का, भा शब्द से कीर्ति, और गा शब्द से ज्ञानवाचक, ये ज्ञानवाचक है, ज्ञान का प्रतीक है, और सर्वेष्ट वचनो, ये सारा जो इष्ट है, इष्ट क्या हमारा, हम जो चाहते हैं, हमारी सानुकूलता, हमारी इष्टता, इसका वाचक है वा शब्द से है, और ता से इन सबका विस्तार, सबका। तो भागवत, भागवत से चारों चार अक्षर से चारों पुरुषार्थ भी हैं, तो भागवत कथा आपको ये कल्पतरु है, ये कामधेनु है, ये सारे पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्रदान करने वाली है भागवत। आप सब श्रवण कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं, मुझे स्मरण हुआ व्यासपीठ पर विराजमान आपकी पूज्य माता श्री, मैं कैसे भूल सकता हूं, कैसे मैं भूल सकता हूं, जिन्होंने ये ऐसे लाल तैयार किया जो फलोदी के साथ साथ सारे भारत में जाकर के जिस तरीके से धर्म की पताका फहरा रहे हैं, मूल में तो माता जी हैं, इसलिए आपको नमन करता हूं, मैं आपके कुल को नमन करता हूं, सारा कुल यहां उपस्थित है यहां पे, बड़े गर्व की बात होती है, ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो मैं यही कहूंगा कि इस, और आपको बताऊं, इसी मास में हिरण्यकश्यप का वध भी इसी मास में हुआ था, इसी मास में हुआ था, और हिरण्यकश्यप कौन, जिसकी सिर्फ धन पर ही दृष्टि रहे, बस चारों तरफ का धन मैं एकत्र कर लूं किसी भी तरीके से, धर्म से अधर्म से किसी तरीके से, सबका मालिक मैं ही बन जाऊं, सारी पृथ्वी का मालिक मैं ही बन जाऊं, सारी संपदा मैं ही, मेरे हाथ में रहे, और मेरा वचन ही कानून बन जाए, भगवान नहीं, मेरा वचन कानून बन जाए, जब इस तरीके की वृत्ति होती है जिसमें, याद रखना ये जो हिरण्यकश्यप है और कोई नहीं है, इस तरीके की जो लोभ की वृत्ति हमारे उसमें रहती है, लोभ की वृत्ति, ये अगर लोभ की वृत्ति जिसके भी अंदर है वो हिरण्यकश्यप ही है सिर्फ, तो और उनका वध इसी मास में हुआ। ध्यान दीजिए, ये जो मास है, ये मास है गुण आधानम दोष अपनयनम, अपने दोषों का जितना अधिक से अधिक दोषों से मुक्त होते जाइए, और सबसे बड़ा दोष ये अज्ञान दोष, जो संसार का जो मूल है, इससे भी निवृत्त होना चाहिए आपको। तो सारे दोषों से निवृत्त होते हुए और अज्ञान का जितना कार्य है, अविद्या कर्म काम, अविद्या काम कर्म पुण्य पाप सुख दुख, फिर उसके बाद में पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, ये जो सारी जो संसार की जो गति है, इससे मुक्त होने के लिए ये मास है, ये ध्यान रखिए, ये मास उसी के लिए है। ये सबके प्रति मंगल कामना करते हुए
मैं यहाँ श्रवण करने आया हूँ, श्रवण करूँगा, ठीक है। ये मुझे करना था, मैं हमारे संचालक महोदय इनसे निवेदन करूँगा आगे की प्रक्रिया जारी रखें। हमारे आदरणीय श्री लादूराम जी भी पधारे हैं, मैं बड़ा अभिनंदन करता हुआ गौरवान्वित होता हूँ यहाँ पे सबके प्रति मंगल कामना करते हुए। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, उसके बारे में महती भूमिका बताई। एक बार जोरदार पूजिए, गुरु जी का स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे मध्य पधारे और हम सबको आशीर्वचन के तौर पर आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे बीच में सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं आदरणीय श्रीमान कुलदीप जी छगाणी साहब। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच की ओर पधारे, आप महाराज श्री का स्वागत करें और साथ में आप अपनी धर्म पत्नी श्रीमती वर्षा देवी जी छगाणी, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से मंच की ओर पधारें। कुलदीप जी और वर्षा जी, आप सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि आप पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, जल्दी से मंच की ओर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज श्री से। हमारे बीच में बड़ा ही सौभाग्य है कि सरस्वती धाम सरस्वती आश्रम से तीजाबाई जी पधारी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। यहीं से महाराज श्री आपका स्वागत दुपट्टा भेज रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप वहीं पर बैठे रहें, आप आने में असमर्थ है, आपके श्री चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। कुलदीप जी आए, देखिए कुलदीप जी एकदम आज एकदम स्वागत करें आप महाराज श्री का और साथ में अपनी धर्म पत्नी जी वर्षा जी छगणी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। कितना सौभाग्य का अवसर है एक मां के लिए, जो पूज्य महाराज श्री की माता जी जिन्होंने इस अनमोल रत्न को जन्म दिया, उस माता जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि माता जी आपने एक ऐसे अनमोल हीरे को जन्म दिया है जो भारतीय सनातन संस्कृति को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये सना भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके श्री चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं माता श्री का। क्या आपको खुद पता नहीं माता जी, ये महाराज जी हमारे बहुत प्यारे हैं और उन्होंने जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नई अलग जगाई है, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ले चलता हूँ व्यासपीठ की ओर और व्यासपीठ पर विराजमान है परम पूजनीय प्राप्त स्मरणीय है श्री सम्मित कैलाश चंद्र जी जोशी जी महाराज। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। अगली आवाज पूज्य महाराज श्री।
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन सुर्पकरणं वरदाभयहस्तकं पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं याकुंदेन्दुतुषारहारधवला याशूभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रवर्तिभिर् देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा वन्दे पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं या देवी मम हृदयेषु लटियालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जाक
की कृपा सुख ज्ञानी भए अति ध्यानी औदानी भए त्रिपुरारी जा की कृपा विधि वेद रचे भए व्यास पुराणन के अधिकारी जा की कृपा त्रे लोक धनी सो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी मेरे उकाज करेगी वही मेरे उकाज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृष भानु दुलारी श्री कृष्ण प्रिया वृष भानु दुलारी राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू जन्म जन्म मोहि दीजिए माँ तब चरणन को वास माँ तब चरणन को वास माँ चरणन को हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
Hare Murari, Hare Nath Narayan Vasudeva.
सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने मात पिता की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भक्तन की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महा महादेव 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 सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में कोटि सर नमन करते हुए मम प्राणाधार मम जीवन आधार मम हृदय कुंज निवासी भगवान सिद्धि विनायक के चरणारविंदों में कोटि सर नमन करते हुए उमा महेश्वर भगवान के चरणारविंदों में कोटि सर नमन करते हुए भगवती माँ लटियाली देवी भगवती माँ शारदा देवी के चरणारविंदों में कोटि सर नमन करते हुए वेद व्यास जी भगवान सुखदेव जी भगवान के चरणारविंदों में कोटि सर नमन करते हुए जो स्वयं साक्षात शब्द ब्रह्म बनकर आप और हम सभी के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण के वांग्मय रूप को धारण कर विराजमान है उन श्री हरि के चरणारविंदों में कोटि सह नमन करते हुए मेरी जन्मभूमि फलोदी की वसुंधरा के प्रति हृदय से बारंबार नमन करते हुए व्यास मंच पर मेरे दक्षिण भाग में विराजित ऋषि परंपरा के ददीप्यमान नक्षत्र हमारी गुरु परंपरा के परम पूज्य स्वामी भूमानंद सरस्वती जी महाराज के पावन से चरण कमलों में कोटि सह नमन करते हुए सरस्वती आश्रम की महंत परम पूज्या तीजोबाई जी के चरणों में कोटि सह नमन करते हुए कथा पंडाल में विराजित समस्त भक्त वृंद मात्र शक्ति और बाल गोपाल के हृदय में विराजित मेरे ठाकुर के चरणारविंदों में बारंबार नमन करते हुए प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए बड़े प्रेम और आदर के साथ प्रभु की कृपा से
कितने बड़े सौभाग्य की बात है। इस मनुष्य जन्म को धारण कर आप और हम सभी को इस घोर कलयुग के इस दुष्कर वातावरण में प्रभु की कृपा से यह दुर्लभ पुरुषोत्तम मास और इसमें भी दुर्लभतम श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अति दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सौभाग्य की बात तो मैं नहीं जानता कि आपका कितना सौभाग्य है और कितना होगा, लेकिन मैं अकिंचन अपने सौभाग्य की प्रशंसा तो करता हूं कि न जाने किसी जन्म में कोई न कोई ऐसा पुण्य तो अवश्य मेरी इस आत्मा ने किया होगा कि कलयुग के प्रथम चरण के इस सृष्टि के निर्माण की क्रम में परमपिता परमेश्वर ने मुझे फलोदी की धरती पर जन्म देकर भेजा। ये मेरा सौभाग्य है। पहली बात फलोदी की धरती मिली, भगवती मां लटियाली का आंचल मिला और साक्षात शिव शक्ति स्वरूप परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिला और उसी के अंतःपाती हमारी गुरु परंपरा के, क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है, वाणी मेरा साथ नहीं देती जब इनके विषय में मैं बोलना चाहता हूं। स्वामी जी, कोई पिछले जन्म का नाता है, प्रथम बार जब मेरे गुरुदेव ने मुझे सन 2013 10 फरवरी महाशिवरात्रि का वो दिवस था, माउंट आबू हमारे गुरु आश्रम में हम बैठे थे, महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाने गए थे, अनायास ही, कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि गुरुदेव इस तरह कृपा करेंगे। अनायास ही मेरी कुछ जिज्ञासा थी, मन में कोई प्रश्न थे, तो गुरुदेव को मैंने कहा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह सुबह प्रार्थना सभा खत्म हुई, 6 बजे का समय था माउंट आबू में, और मैं तो भूल गया कि मैंने गुरुदेव के आगे कोई जिज्ञासा रखी, लेकिन गुरुदेव कहां भूलते हैं। वे जाने लगे अपने कक्ष में तो पीछे मुड़ करके आए, आकर के मुझे कहा कि छोरा, तो कुछ पूछना चाहता था। एकदम से मेरी मति भ्रमित हो गई, मैंने कहा नहीं स्वामी जी, मैंने तो बोला अच्छा कुछ नहीं पूछना, ऐसा करके वो चले गए। और एकदम से याद आया करिए, हाँ मैं पीछे भागा बच्चे की तरह, मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ स्वामी जी कुछ पूछना है, तो हंसने लगे, हाथ पकड़ा और अपने कक्ष में ले गए। वो दिन मेरे जीवन का ऐसा दिन था कि उसके बारे में वर्णन भी मैं नहीं कर सकता। कक्ष में ले गए, बैठे, गुरुदेव के मैंने चरण दबाने शुरू किए, संजू जी पास ही थे हमारे, ये संजू जी जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, इन्होंने लगातार 15 वर्षों तक 24 घंटे अनवरत हमारे सद्गुरुदेव की बहुत सेवा की। इनका जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन की, और ये मेरी उस घटना के साक्षी भी हैं। ले गए गुरुदेव, कक्ष में बैठे रहे, कुछ बातें हुई, फिर मैंने गुरुदेव को कहा,
मैंने कहा कि फलोदी के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा मेरे सांसारिक रिश्ते से मेरे साला जी लगते हैं, शिवदयाल जी व्यास, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि भागवत कथा करो, भागवत कथा करो, भागवत कथा करो। तो मैंने गुरुदेव को पूछा कि भागवत कथा करूं कि नहीं, तो गुरुदेव थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, आंख बंद कर ली, मानो महादेव से बात कर रहे होंगे, कैलाश चले गए होंगे। कुछ देर तक गुरुदेव मौन बैठे रहे, फिर आंख खोली और आंख खोलकर मेरे मस्तक पर हाथ रखा और हाथ रख के ये कहा कि अरे छोरे, तेरा जन्म तो भागवत कथा पढ़ने के लिए ही हुआ है, ये कहकर मुझे आशीर्वाद दे दिया। गुरु आज्ञा से मुझे व्यासपीठ मिली, मैं आशीर्वाद लेकर कक्ष से बाहर निकला। थोड़ी देर पश्चात ही पूज्य भूमानंद सरस्वती जी महाराज, जो आपके सामने विराजमान हैं, आप भी गुरुदेव से मिलने कक्ष में गए, इनकी और गुरुदेव की मुलाकात हुई, संवाद हुआ जी। जब ये उठकर निकलने लगे तब गुरुदेव ने इनको कहा कि स्वामी जी, वो जो छोरा है ना कैलाश, छोरा ही बोलते थे मुझे स्वामी जी, कि वो जो कैलाश है उसे मैंने व्यासपीठ पर बैठने की आज्ञा दी है, आशीर्वाद दिया है, आज्ञा दी है, आप उसका पूरा का पूरा ध्यान रखना। ये भोलावन अपने मारवाड़ी में क्यों नहीं, भोलावन, मेरी भोलावन पूज्य भूमानंद सरस्वती जी महाराज को मेरे गुरुदेव ने दी। पूज्य भूमानंद जी बाहर आए, मुझे गले से लगाया और तब से लेकर आज पर्यंत 10 वर्ष हो गए, पूज्य स्वामी जी का सानिध्य लगातार मुझे मिल रहा है, लगातार मुझे कृपा मिल रही है। आज पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य अवसर पर मेरी जन्मभूमि में पूज्य स्वामी जी आप पधारे हैं, मैं मेरी पूरी जन्मभूमि की तरफ से, ये सब मेरे अपने जन्मभूमि के ही हैं, इन सबकी तरफ से मैं आपका मेरी जन्मभूमि में जोरदार तालियों के साथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आपकी कृपा सदैव हम बच्चों पर यूं ही बनी रहे। आज की हमारी कथा में हमारे फलोदी के ही कथा व्यास, आप आ जाएं मंच पर, पधारिए, शिविर कुमार जी बोहरा पधारो, आओ आ जाओ आ जाओ, फिर मैं कथा आरंभ करूंगा, आइए। हमारे फलोदी के ही कथा व्यास हैं, अभी अभी इन्होंने कथा आरंभ की और इनका और हमारा ये संयोग रहा, इनका और हमारा ये संयोग रहा कि हमने ज्योतिष की विद्या एक साथ में सीखी थी डॉक्टर हरिकृष्ण जी छंगाणी, जो मेरे ज्योतिष के गुरु थे, उनसे। आप ज्योतिष के भी अच्छे ज्ञाता हैं, वास्तुशास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता हैं, धर्म और वेदों के भी अच्छे ज्ञाता हैं, मेरे परम मित्र हैं, और आपकी भागवत कथा 1 अगस्त से ईश्वर बाग में आरंभ हो रही है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आप व्यासपीठ की ओर पधारे और मैं निवेदन करूं पूज्य स्वामी जी से श्री चरणों में कि इनको ओपरना उठाकर और व्यास जी का सम्मान करें और इनका आदर करें। आज की हमारी कथा में मेरी कथा के हनुमान, कथा के मुख्य व्यवस्थापक के भाई जी, उनकी धर्मपत्नी राशि जी, उनकी सुपुत्री खुशी बिटिया और पुत्र युवराज पधारे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी कथा में जोधपुर सूर्य नगरी से कुलदीप जी छंगाणी वर्षा जी पधारे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। जितने भी भक्त अमृतवाणी सत्संग मंडल के सदस्य आ गए, सब नहीं आए, नहीं आए अभी तक, फलोदी है ना, 3 बजे की चाय पीकर आएंगे, तो अमृतवाणी वालों की व्यवस्था इधर है, इस साइड में इधर आकर के बैठे, तो मुझे पता लगेगा कि आप अमृतवाणी सत्संग मंडल के लोग हैं, इधर, हाँ पधारिए, आपका स्वागत है।
पुनश्च एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आइए आप और हम सभी कथा में प्रवेश करें। कल की कथा प्रसंगों में आप और हम सभी ने श्रवण किया था कि किस प्रकार संस्कार विहीन होने के कारण, संस्कार नहीं मिलने के कारण धुंधुकारी अपने मार्ग से भटक गया। धुंधुकारी का जीवन गलत दिशा की ओर अग्रसर हो गया। मां के लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया और गलत संगत में पड़ने से वैश्याओं के साथ संग करना, चोरी डकैती करना, यह सब उसके जीवन का अंग बना और अंततो गत्वा वो प्रेत बना। गोकर्ण जी के द्वारा किए गए भागवत अनुष्ठान से उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती बुआ पर कृपा की, भीष्म पितामह पर कृपा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा का वो गर्भ राजा परीक्षित के रूप में जन्म लेकर प्रकट हुआ। सने सने धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो बढ़ता गया और जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन प्रस्थान कर गए तब पांचों पांडव पांचाली सहित हिमालय में जाकर विलीन हो गए। भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ और इधर राजा परीक्षित को युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजा बनाया। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले, आखेट खेलने के लिए, और उनसे एक भूल हो गई, एक ऋषि का अपमान हो गया। मरा हुआ सर्प ध्यानस्थ ऋषि के गले में राजा ने डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने तक्षक नाग के डसने का श्राप दे डाला और जब यह समाचार राजा परीक्षित को मिला तब राजा परीक्षित अनशन व्रत लेकर अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंप कर स्वयं निकल पड़े गंगा घाट की और अनशन व्रत लेकर। जौं ही राजा परीक्षित जाकर के बैठे उसी समय सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस स्थान पर आकर बैठे। सबको राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और उनसे एक प्रश्न पूछा। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे गुरुजनों, आप ये बताइए कि जो मनुष्य अभी अभी मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। लेकिन कथा कहती है कि किसी भी ऋषि मुनि ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तभी देव योग से सुखदेव मुनि उस स्थान पर पधारे। कथा में तो ऐसा ही लिखा है कि देव योग से तत्राद भव भगवान व्यास पुत्रो, अपने आप अवधूत थे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है जानते हैं? छोटे से बालक की तरह दिखते हैं, इतने इतने छोटे छोटे घुंघराले बाल हैं और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल और केवल अपनी मां के द्वारा पहना गया एक कोपीन है और कोई वस्त्र नहीं, और सदैव अवधूतों की तरह रहते हैं। छोटी सी अवस्था, छोटा सा शरीर, उसी अवस्था में अवधूत वेश में आए सुखदेव मुनि। कथा तो ये कहती है कि भगवान की प्रेरणा से आए, लेकिन महाराज कथा में भी एक कथा आती है। ये कथाएं भागवत में सुनने को नहीं मिलती, ये कथाएं तो कोई अनुभवी महात्मा या अनुभवी विद्वान पुरुष ही बता सकते हैं। ये कथा मैंने भी किसी अनुभवी महात्मा से सुनी थी। उन्होंने कहा कि वो सुखदेव जी जो जन्म लेते ही अपने पिता का घर त्याग कर जंगल की ओर रवाना हो गए थे, एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरे थे,
सुखदेव मुनि जब मां के गर्भ से बाहर आए थे ना, तो गर्भ से बाहर आते ही वे सीधा जंगल की ओर निकल गए थे, सीधा। ना तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ना कोई जात कर्म, ना नाम कर्म, ना थालियां बजी, ना ढोल बजे, ना बधाइयां बटी, कुछ भी नहीं। सीधे के सीधे निकल पड़े जंगल की ओर। और जब वो जंगल की ओर जा रहे थे तो उनके पिता वेद व्यास जी को भी पुत्र मोह हो गया। उन्होंने कहा, लो इतने वर्षों बाद तो ये मां के उदर से बाहर निकला है और ये सीधा जंगल की ओर रवाना हो गया। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कहते कहते वे पीछे पीछे भागने लगे। किनके? अपने पुत्र सुखदेव के। सुखदेव मुनि जंगलों से जा रहे थे, पीछे पीछे वेद व्यास जी पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए जा रहे थे। सुखदेव मुनि कुछ नहीं बोले, लेकिन उस जंगल के जो वृक्ष थे ना, वो बोल पड़े। वृक्षों ने कहा कि अरे वेद व्यास जी, आप किसे अपना पुत्र मान रहे हो? अरे ये तो अवधूत है, ये तो साक्षात महादेव है, ये तो दिव्य आत्मा है, ये आपका पुत्र नहीं है। तब वेद व्यास जी को थोड़ा ज्ञान हुआ और पुनः घर की ओर लौट आए। तो वे सुखदेव मुनि जो जन्म लेते ही अपने पिता का घर छोड़कर जंगल की ओर निकल गए, बताओ ना किसी संसारी राजा के लिए क्यों आएंगे? आएंगे क्या बताओ? नहीं आएंगे। उनको राजा से क्या स्वार्थ? राजा ने कर्म किया, राजा ने अपराध किया, राजा को श्राप का दंड मिला, राजा जाने ऋषि जाने, सुखदेव मुनि क्यों आएंगे? लेकिन कथा में एक कथा आती है। जब राजा परीक्षित आकर के बैठे, आधा दिन बीत गया, सारे ऋषि मुनि आकर बैठे, सारे ऋषि मुनियों से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। नारद जी को चिंता होने लग गई। नारद जी भी तो आए थे ना वहां पर। नारद जी को चिंता हुई कि अरे इस तरह से अगर कोई जवाब नहीं देगा तो राजा परीक्षित के 7 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। अरे फिर वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान इस धरती पर प्रकट कैसे होगा? नारद जी ने मन में विचार किया कि क्यों न मैं सुखदेव मुनि को किसी भी तरह युक्ति से यहां बुला लाऊं। और चल पड़े नारद जी सुखदेव मुनि के पास, जहां घोर जंगल में सुखदेव मुनि भागवत के श्लोकों का ध्यान कर रहे थे। सुखदेव मुनि सदैव भागवत जी के श्लोक ही पढ़ते रहते हैं। गए नारद जी, जाकर सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। प्रणाम करके और नारद जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, राजा परीक्षित से अनजाने में कोई अपराध हो गया है, आप चलें और उसके आत्म कल्याण का साधन उसे बताएं। जानते हो सुखदेव मुनि ने क्या कहा? सुखदेव मुनि ने मना कर दिया। सुखदेव मुनि कहने लगे कि अरे नारद जी, संसार में न जाने कितने लोग जन्म लेकर आते हैं, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग अपना अपना कर्म करते हैं। कर्मणा जयते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। सब अपने अपने कर्म लेकर पैदा होते हैं, मैं भला कौन होता हूं प्रकृति की इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाला? राजा ने अपराध किया, उसे दंड मिला, दंड भोगने दो, मैं क्यों जाऊं? नारद जी समझ गए कि इस तरह तो चलने वाले नहीं। लेकिन नारद जी का एक स्वभाव है, क्या? नारद जी जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा ही करते हैं, पूरा करके छोड़ते हैं। एक और बात कहूं, जिस जिसके जीवन में नारद जी प्रकट हुए उसे प्रभु अवश्य मिले हैं, अवश्य मिले हैं। किसी का भी जीवन उठाकर देख लो, ध्रुव के जीवन में नारद जी गए, ध्रुव को भगवान मिले, प्रहलाद को नारद जी मिले, प्रहलाद को भगवान मिले, और तो और महाराज छोड़ो, दानवों के जीवन में भी अगर नारद जी चले जाए ना तो दानों को भी भगवान के दर्शन नारद जी करवा देते हैं। नारद के आने का अर्थ ही यही है कि अब भगवान आने वाले हैं। तो नारद जी ने कहा कि गुरुदेव ऐसी बात है, आप चलें ना चलें आपकी मर्जी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? सुखदेव मुनि कहने लगे कि हाँ नारद जी, पूछो, जल्दी जल्दी पूछो, मेरे ध्यान का समय व्यतीत हो रहा है। नारद जी पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये बताइए कि कोई एक अंधा मनुष्य, ध्यान देकर सुनना, कोई एक अंधा मनुष्य दूर से जंगल में चलता हुआ आ रहा है और सामने, उसके ठीक सामने वृक्ष के नीचे कोई आंख वाला आदमी बैठा है जिसे दिखाई दे रहा है। वृक्ष के नीचे आंख वाला आदमी बैठा है और दूर से वो अंधे आदमी को आता हुआ देख रहा है,
अब उस अंधे आदमी के और आंख वाले आदमी के बीच में एक गहरा गड्ढा है। वो अंधा आदमी चलता चलता आया और सीधा गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई, वो मर गया अंधा आदमी। तो बताइए ना गुरुदेव, उसका अपराध किसे लगेगा? सुखदेव मुनि कहने लगे कि अरे नारद जी, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, सीधी सीधी साधारण सी बात है। अरे अंधा तो बेचारा अंधा है ना, उसे तो दिखाई नहीं देता, आंख वाला तो देख रहा था ना कि वो आ रहा है और बीच में गड्ढा है, इसका अपराध आंख वाले को लगेगा, क्योंकि आंख वाला चाहता तो उसे रोक सकता आवाज देकर, आंख वाला चाहता तो हाथ पकड़कर हटा सकता था, कुछ भी कर सकता था, उसे बचा सकता था, तो इसका अपराध तो आंख वाले को लगेगा। तो नारद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप भी तो यही कर रहे हैं। सुखदेव जी थोड़ा सावधान हुए कि मैं कैसे कर रहा हूं। नारद जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, राजा परीक्षित तो बेचारा अज्ञान के अंधकार में अंधा था, उसे कुछ सूझा नहीं, क्रोध में भरकर उसने ऋषि का अपमान कर दिया, लेकिन हे गुरुदेव, आपके पास तो ज्ञान की आंख है, आप आंख वाले आदमी हैं, वो अंधा आदमी है, इससे पहले कि वो गहरी खाई में गिरकर अपने प्राण त्याग दे, उसका आत्म कल्याण कर दीजिए गुरुदेव, उसका आत्म कल्याण कर दीजिए। और कथा कहती है कि इस तर्क को सुखदेव जी काट नहीं पाए और सुखदेव मुनि निकल पड़े उस स्थान की ओर। जो ही सुखदेव मुनि आए उस स्थान पर, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, सबने झुककर सुखदेव मुनि को प्रणाम किया, राजा परीक्षित ने भी सुखदेव मुनि को दंडवत प्रणाम किया। और जो ही सुखदेव मुनि ने अपना आसन ग्रहण किया, उसी समय वेद व्यास जी भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद को विराम दे दिया। प्रथम स्कंद यहां पर खत्म हो जाता है। एक नियम मैं आप लोगों से कहूं, हालांकि जो मेरी कथा में नियमित रूप से आते हैं उन्हें तो पता ही है, जब भी किसी स्कंद का विराम होता है तो मैं एक महामंत्र का उच्चारण आप लोगों से करवाता हूं। इसका अर्थ यह है कि पूज्य डोंगरे जी महाराज, जो कलयुग के परम भागवत थे, वे जब कथा गाते थे तो प्रत्येक स्कंद के विराम के स्थान पर वे महामंत्र का एक बार उच्चारण करवाते थे। इससे फल ये मिलता है कि कथा तो मैं यहां से वाचन कर रहा हूं लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रथम स्कंद के विराम पर महामंत्र का उच्चारण कर देते हैं ना, तो हमें भी भागवत कथा को पढ़ने का फल मिल जाता है। तो आइए आप सभी मेरे साथ मिलकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए महामंत्र का गायन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है और दूसरा स्कंद है साधन लीला। भागवत के दूसरे स्कंद को साधन लीला कहा। साधनों में मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई साधन है तो वो है सुनना। मनुष्य को सुनना आना चाहिए। जिस मनुष्य ने सुनना सीख लिया ना महाराज, तो समझ लो उसका जीवन बदल गया। लेकिन हम सुनना नहीं पसंद करते, हम केवल और केवल बोलना ही पसंद करते। प्रमुख साधन बताया शास्त्रों में सुनना, श्रवण करना। और जानते हो क्या सुनना चाहिए, किसे सुने, कितना सुने, किस प्रकार से सुने? तो शास्त्र कहता है भद्रम करणे भी श्रुणुयाम देवा। क्या सुने? भद्रम, अच्छा अच्छा, कल्याणकारी। हमारे गुरुदेव ने हमारी परंपरा के आगे एक शब्द जोड़ा, संबित। संबित, संबित शब्द का अर्थ है परम कल्याणकारी। संबित शिव को भी कहते हैं, संबित भगवान विष्णु को भी कहते हैं, और संबित का सीधा सा अर्थ है परम कल्याणकारी। तो मनुष्य को सदैव वही सुनना चाहिए जो उसके हित के लिए, उसके जीवन के लिए हितकर हो। अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अपने से श्रेष्ठ जनों का संग करें, अपने से निम्न जनों का संग नहीं करें। अपना जीवन दीपक जैसा बनाएं। कैसा? दीपक जैसा। दीपक जानते हो ना, दिया। दिया क्या करता है बताओ?
क्या करता है? प्रकाश देता है ना। दिए का काम क्या है? प्रकाश देना। दीपक का केवल और केवल एक ही धर्म है, प्रकाश। दीपक का धर्म क्या है? प्रकाश। दीपक को इससे कोई मतलब नहीं कि उसे कहां जलाया जा रहा है। चाहे दीपक को आप किसी मुर्दे के पास जलाओ, चाहे दीपक को शमशान में जलाओ, चाहे दीपक को महाराज मंदिर में जलाओ, और चाहे दीपक को आप अपनी पूजा में जलाओ, दीपक जौं ही जलता है प्रकाश देना शुरू कर देता है। प्रकाश, दीपक का धर्म है प्रकाश देना। दीपक की तरह बनो। हमारा गुण धर्म क्या है? हम कौन है? हमारा निज स्वभाव क्या है? हम कहां से आए हैं? हम किसके अंश हैं? वो गुण हमारे भीतर होने चाहिए ना। तो जहां भी हम जाएं, जहां भी हम जाएं, हमारा प्रकाश दीपक की तरह फैलना चाहिए। ये जो भगवान के आगे दिया जलाने की जो विधा है ना, जो कला है, उसका अर्थ यही है और कुछ नहीं। महाराज, उसको क्या दिया दिखाओगे जिसका एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा है? क्या उसको दीपक की जरूरत है? बताओ ना। नहीं, वस्तुतः वो दीपक हम खुद के लिए जलाते हैं। इसीलिए तो इस दीपक की विधा को भगवान बुद्ध ने समझा और भगवान बुद्ध ने सूत्र दिया, अपदीपो भव। क्या कहा? अपदीपो भव। अपने दीपक खुद बनो, अपने जीवन को प्रकाशित करो। जब कभी हम बचपन में तो खूब किया, अभी भी कभी कभी अवसर मिलता है, जब हम चंदन घिसते हैं, क्या करते हैं? चंदन, चंदन घिसते हैं ना। वो पत्थर का एक ओरिसा होता है, हम तो ओरिसा बोलते हैं, उसके ऊपर चंदन का वो गट्ठा लेकर के चंदन घिसते हैं। तो महाराज, जब हम चंदन घिसते हैं ना, तो चंदन घिसने के बाद में चंदन की खुशबू या चंदन भगवान को लगाने के बाद में फल देता है। जो चंदन घिसना आरंभ कर देता है ना, उसके हाथ उसी समय शीतल होना चालू हो जाते हैं, शीतल होना। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। धूप जलाने के बाद जहां तक अगरबत्ती को ले जाना है, वहां तक तो खुशबू बाद में पहुंचेगी। जिस स्थान पर अगरबत्ती जलाते हो, वहां खुशबू उसी समय फैलना आरंभ हो जाती है। तो भागवत कथा ये सिखाती है। भागवत कथा से एक सूत्र लेकर के जाओ। क्या? अगर आपको आदरणीय बनना है, तो लोगों का आदर करना आरंभ करो। अगर आपको आदरणीय बनना है, आप चाहें कि लोग आपके नाम के आगे आदरणीय शब्द लगाएं, तो पहला काम ये करो, लोगों को आदर देना शुरू करो। लोगों को आदर दीजिए। एक और बात, अगर पूजनीय बनना चाहते हो, तो रोज भगवान का पूजन करो। पूजन करते 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 एक दिवस ऐसा आएगा कि आप स्वयं पूजनीय बन जाएंगे। ये भागवत कथा सिखाती है। और सुनने की जो कला है, उसमें चार बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, श्रद्धा। जिसे सुन रहे हैं, जिस विषय को सुन रहे हैं, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। दूसरा, ध्यान। सुनने में ध्यान अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बैठे हो कथा में और ध्यान कहीं और चल रहा है। नहीं महाराज, ध्यान देकर के सुनो कि व्यासपीठ से और व्यास मंच से क्या कहा जा रहा है। पहली है श्रद्धा, दूसरी ध्यान, और तीसरा है मनन। फिर जो सुना उसका मनन करो मन के भीतर, कि हमारे लिए इसमें से कौन सी बात अच्छी है। और जब मनन हो जाए, तो चौथी बात बताई गई शास्त्र में, चिंतन। फिर चिंतन करिए। श्रद्धा, ध्यान, मनन और चिंतन, इस तरह से मनुष्य को सुनना चाहिए। और द्वितीय स्कंद का जो शुभारंभ है, वो वेद व्यास जी ने भगवान सुखदेव की वाणी से किया। द्वितीय स्कंद भगवान सुखदेव की वाणी से आरंभ होता है। और सुखदेव जी की वाणी कैसी है? मीठी मीठी, अमृत से भरी हुई। जानते हो ना, सुखदेव की वाणी में क्या है? अमृत ही तो है। सुख किसे कहते हैं बताओ? किसको कहते हैं? तोते को। और तोते का एक गुण पता है आप? तोता जिस फल में चोंच मार देता है ना, जिस फल में, वो फल और भी ज्यादा मीठा हो जाता है। ये तोते का एक गुण है, जिस फल को तोता चोंच मार देता है। तो सुखदेव मुनि ने अपने मुख की चोंच किस में मारी? भागवत में।
तो भागवत कितनी मीठी है, इसीलिए ये भागवत मीठी मीठी लगती है, बार बार इसे सुनने का मन करता है। प्रथम श्लोक वेद व्यास जी ने सुखदेव भगवान की वाणी से लिखा। ज्यों ही राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर और सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे गुरुदेव, आज मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो गए कि आप मेरे सामने साक्षात विराजमान हैं। हे गुरुदेव, ये बताइए कि जो अभी अभी मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। उसी समय सुखदेव भगवान कहने लगे, वरियानेसते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृपः। हे नृप, हे राजा, वरियानेसते प्रश्नः, अरे ये जो तेरा प्रश्न है ना, बड़ा उत्तम है। वरियानेस, बड़ा श्रेष्ठ तूने प्रश्न किया। कृतो लोक हितो नृपः, हे नृप, हे राजा, मैं ये जानता हूं कि ये प्रश्न तूने अपने लिए नहीं किया, ये तूने पूरे संसार के कल्याण के लिए पूछा है। और हे राजन, सभी गुरुदेव और बड़े बड़े श्रेष्ठ जन ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। हे राजन, तूने पूछा कि जो अभी अभी मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, तो हे राजन, कान खोलकर और ध्यान देकर के सुनो। संसार में जिन्हें हम अपना घनिष्ठ समझते हैं, वे शरीर, स्त्री, पुत्र, सबके सब असत्य है, सब असत्य हैं। परंतु ये जीव माया के मोह में ऐसा पागल हो जाता है, ऐसा पागल हो जाता है कि उन्हें ही सत्य समझ बैठता है। हे राजन, इस मनुष्य शरीर का सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है, इस मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? आप मनुष्य जन्म में आ तो गए, तो इसका फल क्या क्या है? आप मनुष्य बनकर के आए तो उसका फल क्या? ये फल है कि आप मनुष्य बनकर के आए और आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़े बड़े बंगले बना लिए, बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया, आपकी बैंकों में FDR बहुत सारी हो गई, क्या ये मनुष्य जन्म का लाभ है? नहीं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य शरीर का सर्वश्रेष्ठ लाभ केवल और केवल भगवान की भक्ति करना है, केवल और केवल भगवान की भक्ति। एक बात बताऊं आपको, मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें ये मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की योनि को कर्म योनि कहा, भोग योनि नहीं कहा। ये जो जानवरों की योनियां है ना, ये भोग योनियां हैं। क्या है? भोग। ये भोग भोगने के लिए जानवर बनकर के आते हैं। मनुष्य चाहे तो अपना जीवन बदल सकता है। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो घबराए नहीं, तनिक भी चिंतित नहीं हो, वह वैराग्य के अस्त्र के द्वारा शरीर और उससे संबंध रखने वाले मोह ममता का त्याग कर और अंत में अपनी पूरी स्मृति को भगवान में लगा दे, भगवान में लगा दे। इसलिए हे राजन, जो अभय पद प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और हे राजन, सदगुरु और ईश्वर दोनों एक तत्व है, सदगुरु देव और ईश्वर दोनों एक तत्व है, ये अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये अलग अलग है नहीं। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, जिस प्रकार सूर्य से उगने वाले उस सूर्य की किरणों में से हम किरणों को और सूर्य को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह सदगुरु देव और ईश्वर दोनों एक तत्व हैं। जो मनुष्य अपने सदगुरु देव में, ध्यान से सुनना, जो मनुष्य अपने सदगुरु देव में मानव बुद्धि रखता है ना, तो समझ लो वो ब्रह्म में जी रहा है। सदगुरु कभी मानव हो ही नहीं सकते। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। हम किन गुरु को प्रणाम करते हैं जो अखंड मंडल में व्याप्त है? ईश्वर और गुरु दोनों एक तत्व हैं। सुखदेव मुनि ईश्वर और गुरु की क्या कर रहे हैं? आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, वहां पे बैठवा आप, आइए।
जगदीश जी आपका स्वागत है, आसन ग्रहण करें, बैठें। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, ईश्वर और गुरु दोनों एक तत्व है, ईश्वर और गुरु दोनों में भेद बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। और हे राजन, जो मनुष्य शरीर धारण कर और अपने इन दोनों कानों से कृष्ण की कथा नहीं सुनते, उनके कान कान नहीं, सांप की बांबी के समान है। अगर आपको भगवान ने दो कान दिए और उन कानों से अगर आपने कृष्ण की कथा नहीं सुनी, भागवत की कथा नहीं सुनी, तो समझ लेना कि आपके कान कान नहीं, शास्त्र कहता है आपके कान सांप की बांबी के समान हैं। जो जिह्वा हरि गुण नहीं गाती, जिह्वा किस लिए मिली है, जुबान किस लिए मिली, चुगली करने के लिए, बताओ ना, निंदा करने के लिए, एक दूसरे की शिकायत करने के लिए नहीं महाराज, जुबान मिली है भगवान का नाम लेने के लिए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जो जिह्वा हरि गुण नहीं गाती वह जिह्वा मेंढक के समान है। मेंढक, मेंढक की आवाज किसी को पसंद आती है, बताओ ना, नहीं आती, टर टर करता रहता है। हम जो ये संसार की बातें करते हैं ना, ये भगवान को पसंद नहीं आते। जो जिह्वा हरि गुण नहीं गाती वो मेंढक के समान है, जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते। दो हाथ दिए भगवान ने और इनसे आपने ठाकुर जी की सेवा नहीं की, ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया, तो वो दोनों हाथ मुर्दे के हाथों के समान है। जो आंखें भगवान की झांकी का दर्शन नहीं करती, जो आंखें भगवान की झांकी का दर्शन नहीं करती वह मोर पंख के समान है। और जो पैर भगवान के दर्शन करने के लिए तीर्थ और मंदिर नहीं जाते, वे खड़े हुए ठूंठ वृक्ष के समान है। ये शास्त्र कहता है, इन पैरों से चलकर कभी भगवान के मंदिर नहीं गए, इधर उधर जरूर गए घूमने के लिए, पर्यटन स्थलों पर हनीमून मनाने के लिए, शिमला मनाली न जाने कहां कहां, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन कभी भगवान के मंदिर नहीं गए। और हे राजन, जो मनुष्य भगवान की चरण रज को सिर पर धारण नहीं करता, ध्यान से सुनना, जो मनुष्य भगवान की चरण रज, रज जानते हो ना, धूल को कहते हैं, भगवान की और सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव के चरणों की रज अगर मिल जाए महाराज, तो उसे उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लेना। मेरी व्यासपीठ ये कहती है आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जाते हैं वृंदावन रमण रेती में, आहा, लौटने का मन करता है कि नहीं करता, जाते ही ऐसा लगता है कि इस धूल में रम जाएं, बस इस वृंदावन की माटी को अपने शरीर के रोम रोम में भर लें। जानते हो क्यों? क्योंकि वृंदावन की उस माटी को भगवान के चरणों ने स्पर्श किया, भगवान के चरण पड़े हैं, भगवान की चरण, चरण की रज, उसे अपने मस्तक पर जो धारण नहीं करता वो जीवित व्यक्ति मुर्दे के समान है राजन, मुर्दे के समान है। लेकिन क्या करें राजन, ये संसार भगवान ने बनाया ही ऐसा है। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, ये मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, सदैव संसार के ध्यान में मग्न रहता है, संसार की विषय वासनाओं को पूरा करने में लगा रहता है और अलग 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 देवताओं की उपासना करता है और फिर वो भटक जाता है। दो दिन से लगातार मेरी व्यासपीठ से यही कहा जा रहा है कि भटको मत, और यही बात आज सुखदेव जी भी कह रहे हैं, भागवत में आया कि वो मनुष्य भटक जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे किस देवता की उपासना करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं, हमें हमारे जीवन में जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन पदार्थों की, जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है ना, उनकी उपासना, उन्हें किस देवता की उपासना से प्राप्त किया जा सकता है, ये सारा का सारा रहस्य भागवत में भरा हुआ है। ये सब भागवत में लिखा हुआ है कि कौन से देवता की उपासना करने से क्या फल मिलता है। लेकिन महाराज, भागवत का दोष नहीं है,
दोष है हम जैसे कथावाचकों का। हम इधर उधर की बातें तो कर लेते हैं, सास बहू की बातें तो कर लेते हैं, चुटकले तो सुना देते हैं, टोटके तो बता देते हैं, लेकिन जो भागवत में लिखा वो कभी नहीं बताते। जो भागवत में लिखा, भागवत में सुखदेव मुनि स्वयं करते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, ध्यान देकर के सुनो कि एक जागृत मनुष्य को किस किस देवता की उपासना करनी चाहिए, किन किन कामनाओं की पूर्ति के लिए, ध्यान देकर सुनो। जो मनुष्य ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, जिस मनुष्य को ये चाहिए कि मेरा तेज ब्रह्म के तेज जैसा हो जाए, मुझे ब्रह्म तेज प्राप्त हो, तो उस मनुष्य को बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। किसकी? बृहस्पति। बृहस्पति माने गुरु ग्रह, हमारे ज्योतिष में आता है। गुरु ग्रह की उपासना करें। एक और बात, अपने गुरुदेव की उपासना करें। जो ही आप अपने गुरुदेव की उपासना करते हो, गुरुदेव के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जप करते हो, गुरुदेव के चित्र को आगे रखकर उनका ध्यान करते हो, गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से पूजा पाठ करते हो, मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि आपके भीतर आपके उस ब्रह्म ज्ञानी सदगुरुदेव का ब्रह्म तेज आपके जीवन में उतर जाता है, जीवन में उतर जाता है। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति प्राप्त करनी हो, जिसे लगे कि मेरी इंद्रियां बलवान हो, तो उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। इंद्र की, इंद्र हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। और जो संतान चाहता हो, किसी के जीवन में संतान नहीं है और वो संतान चाहता हो, तो उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? तो भागवत में लिखा कि उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। प्रजापति, प्रजापतियों की उपासना करें। और जिसे लक्ष्मी चाहिए, आहा, अब आपके काम की बात आई। कल बताया था मैंने कथा में लक्ष्मी का उपाय, लेकिन जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? जानते हो भागवत में क्या लिखा है? भागवत जी में लिखा है कि जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की उपासना करनी चाहिए। माया देवी, माया देवी भी एक देवी है, उसकी उपासना करो तो लक्ष्मी आ जाती है। अब ये माया देवी कहाँ है बताओ, कौन जानता है? कोई बता सकता है? यहां पंडाल में कोई बैठा हो, अगर कोई बता सकता हो कि माया देवी का मंदिर कहां है? कोई नहीं जानता। अरे बाप, फलोदी इतनी कमजोर कैसे हो गई? ये तो वेद नगरी है, विद्वानों की नगरी है। माया देवी का मंदिर हरिद्वार में है। कहां है? हरिद्वार। जानते हो हरिद्वार का पुराना नाम क्या है शास्त्रों में? हरिद्वार को क्या कहते हैं? माया नगरी। क्या कहते हैं? माया नगरी। पर हम तो महाराज कभी ध्यान देते नहीं, जाते हैं हर की पौड़ी, एक लगाया फड़ोदी की भाषा में गंठो लगाया, डुबकी लगाई और आगे बाहर, बस हर हर गंगे। जिस स्थान पर जाते हो उस स्थान की महिमा को जानो। माया देवी की उपासना करनी चाहिए। और जिसे महाराज तेज चाहिए, जिसे चाहिए कि मेरे शरीर का तेज बढ़े, मेरे शरीर का वर्चस्व बढ़े, तो उसे अग्नि की उपासना करनी चाहिए, उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ये भागवत कथा कहती है। वीरता चाहिए, अगर किसी को वीरता चाहिए कि मेरी वीरता के किस्से चारों ओर फैले, तो उसे भगवान रुद्र की उपासना करनी चाहिए, रुद्र की। और स्वर्ग चाहिए, तो किसी को स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग किस किस को चाहिए? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, किस किस को स्वर्ग चाहिए? अरे बाप रे, स्वर्ग में जाके क्या कर लोगे? जो स्वर्ग में बैठे हैं उनको पूछो तो सही, एक बार देवताओं को, बेचारों की हालत बहुत खराब है, उन्हें तो पुष्प भी नहीं मिलते। जानते हो स्वर्ग में पुष्प नहीं है, इसीलिए तो हम यहां पर देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं। स्वर्ग में कुछ नहीं है, स्वर्ग केवल और केवल छलावा है। लेकिन फिर भी अगर स्वर्ग चाहिए तो महाराज एक काम करना पड़ेगा। स्वर्गवासी कौन कौन होना चाहता है बताओ? स्वर्ग में स्वर्गवासी होना चाहते हो ना? लो हाथ सबके नीचे हो गए। स्वर्ग चाहिए तो जो जहां का, जो जिसकी कामना करता है वहीं का तो वासी गिना जाता। मैं फलोदी वासी हूं, मैं फलोदी में रहता हूं, फलोदी वासी। और अभी कुछ वर्षों से जोधपुर कर्म भूमि है तो जोधपुर वासी। तो जिनको स्वर्ग में जाना है वो स्वर्गवासी।
अब स्वर्गवासी कौन होगा? फिर भी अगर स्वर्ग चाहिए आपको महाराज, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करें, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार है। अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करें, और जिसको पुष्टि चाहिए वो पृथ्वी का पूजन करे, और जिसको सुंदरता चाहिए, आहा, ब्यूटीफुल होना है। कौन कौन ये चाहते हैं कि हम सुंदर बने, हमें सुंदरता मिले? जिसको सुंदरता चाहिए उसे क्या करना चाहिए? ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए। नहीं महाराज, भागवत कथा ये कहती है कि जिसे सुंदर बनना है, सुंदर दिखना है, सुंदरता जो चाहता है ना, उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। किनकी? गंधर्वों। गंधर्वों से बढ़कर कोई सुंदर है ही नहीं। गंधर्व लोक में सब गंधर्व सुंदर हैं, उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। और जिसे पत्नी चाहिए, आहा, जिसे पत्नी चाहिए उसे उर्वशी, उर्वशी नाम की एक अप्सरा है, उसकी उपासना करनी चाहिए। और सबका स्वामी जिसे बनना है, जो चाहता है कि पूरी फलोदी में मेरा राज हो, पूरे संसार में मेरा राज हो, लोग मुझे नगर सेठ के नाम से जाने, तो उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? तो भागवत में लिखा है कि उसे ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। किसकी? ब्रह्मा। ब्रह्मा अपने जैसा बना देते हैं। और यश प्राप्ति के लिए अगर आपको यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करें, यज्ञ करें घर में। और जिसको अपना खजाना बढ़ाना हो, आहा, बड़े काम की बात आई, जिसको अपना खजाना बढ़ाना हो, धन बढ़ाना हो, FDR बढ़ानी हो, सोना बढ़ाना हो, रुपया बढ़ाना हो, वो किसकी उपासना करे बताओ? कुबेर की? कुबेर की उपासना? नहीं नहीं, कुबेर तो खजाने का मालिक है ही नहीं, कुबेर तो खजाने का चौकीदार है। कुबेर कौन है? खजाने का चौकीदार मात्र, खजाने का मालिक नहीं है, ध्यान रखना। चौकीदार अलग होता है, मालिक अलग होता है। कुबेर को कभी खजाने का मालिक मत समझना, भूल मत करना, बड़े रहस्य की बातें हैं, आज नहीं बता पाऊंगा व्यासपीठ से। जिसको अपना खजाना बढ़ाना है ना महाराज, अपना धन बढ़ाना है, तो उसे वरुण की उपासना करनी चाहिए। वरुण, वरुण माने जल देवता। किसकी? जल की उपासना, जल का पूजन करे। कल की कथा में मैंने बताया था, कहा था ना, कौन कौन गए अभी तक नहीं गए, शुक्रवार के दिन भी जाके पूजा कर सकते हो। जल की उपासना करें, जिसे खजाना बढ़ाना हो। और जिसे विद्या चाहिए, जिसे विद्या चाहिए उसे किसकी उपासना करनी चाहिए बताइए? किसकी? सरस्वती की? नहीं, सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी। विद्या जिसे चाहिए, जिसे विद्या चाहिए, ध्यान से सुनना, ये अलौकिक बातें हैं, ये भागवत कथाओं में ही सुनने को मिलेगी। जिसे विद्या चाहिए, भागवत कथा में सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विद्या चाहता है उसे भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर, भगवान शंकर ही विद्या देने वाले हैं, ध्यान रखना। सनकादि ऋषियों को, चारों ऋषियों को भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया। और जब भगवान ज्ञान देते हैं ना, जब भगवान शंकर ज्ञान देते हैं, तो जानते हो कौन सी दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं? कौन सी दिशा? ज्ञान की दिशा कौन सी है? नहीं, भगवान शंकर दक्षिण की ओर अपना मुख करके बैठते हैं। कहां? दक्षिण की ओर। और जो ही भगवान शंकर दक्षिण की ओर अपना मुख करके बैठते हैं, भगवान शंकर का नाम पड़ जाता है दक्षिणामूर्ति भगवान। दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूल निवासिने ध्यानेक निरतांगाय नमो रुद्राय संभवे। आहा, भगवान दक्षिणामूर्ति की उपासना करें, जिसे विद्या चाहिए। और पति पत्नी में, पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपस में खटपट खटपट चलती रहती हो, तो उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? अब देखो, मैंने कहा था आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, केवल और केवल भागवत कथा को आपने अगर ध्यान से सुन लिया ना, अगर भागवत कथा सही सही आपको मिल गई सुनने को,
तो आपको कहीं किसी के पीछे भटकने की आवश्यकता नहीं। आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं मेरी ये भागवत की कथा पूरी कर देती है, पूरी कर देती है। जिसके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती हो, पति पत्नी में आपस में खटपट हो, तो उसे महाराज किसकी उपासना करनी चाहिए? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए उसे पार्वती मैया की उपासना करनी चाहिए। किसकी? पार्वती मैया। पार्वती मैया सदैव अपने पति से प्रेम करती। भगवान उमा महेश्वर की तस्वीर अपने घर में ला करके रखी, शिव और पार्वती के जोड़े की पूजा कीजिए, फिर देखिए आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जिसे धर्म चाहिए, अर्थ आ गया, काम आ गया, अब धर्म, जिसे धर्म चाहिए वो किसकी उपासना करे? जिसे ये लगता है कि मेरे जीवन में धर्म प्रकट हो, तो वो किस देवता की उपासना करे? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, उस मनुष्य को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए जो धर्म का इच्छुक हो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में धर्म बढ़े, आपके धर्म की गति और आगे बढ़े, तो भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। भगवान विष्णु कौन है? साक्षात धर्म के स्वरूप है, साक्षात धर्म के स्वरूप। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, रोजाना एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके और भगवान विष्णु के आगे एक दिया जलाइए, दीपदान करिए, देखिए आपके जीवन में धर्म धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार शास्त्र द्वारा बताए गए इन निर्देशों का पालन करते हुए जो मनुष्य अपना जीवन जीता है, उस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, उसे प्राप्त हो जाते हैं। और हे राजन, परमात्मा ने, स्वयं नारायण भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को जो चार बातें बतलाई थी, उन चार बातों को ही इस संसार में चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और हे राजन, उन चार बातों को मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। प्रथम बात, सत्य क्या है? दूसरी बात, माया क्या है? तीसरी बात, जगत क्या है? और चौथी बात, आत्मा क्या है? सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और आत्मा क्या है? सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब नाम रूप और क्रिया ये तीनों नहीं रहते, तब यह आत्मा रूप सत्य चैतन्य सत्य बना रहता है। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, जब ये सृष्टि बनी नहीं थी तब केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त न तो स्थूल था न सूक्ष्म था, जहां यह सृष्टि नहीं है वहां पर भी मैं ही हूं, और इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा ही रूप है, और जब प्रलय आ जाता है, ये सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब जो बचा हुआ रहता है वो भी मैं ही हूं। और हे पुत्र, यही सत्य है, यही सत्य है। सत्य क्या है जानते हो? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। केवल और केवल ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, आप और हम सत्य नहीं है, ये संसार सत्य नहीं है, संसार के रिश्ते सत्य नहीं है, संसार के सुख दुख सत्य नहीं है, केवल और केवल सत्य है तो भगवान राम। कौन है? राम। इसीलिए तो जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके पीछे क्या बोलते हैं, बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना, राम नाम सत्य है। डरो मत, क्यों घबराते हो? कोई अपशकुन थोड़ी हो रहा है, एक न एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा। अभी जीते जी बोल लो, जीते जी अपने मुख से बोल लो कि राम नाम सत्य है। मरने के बाद तो आप नहीं बोलोगे, आपके पीछे वाले बोलेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम ही तो सत्य है, इस जगत में और क्या सत्य है? जिसने अपने जीवन में राम को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में राम को अंगीकार कर लिया, जिसने अपने जीवन में राम का आश्रय ले लिया, महाराज उसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है।
राम, तो राम का आश्रय कैसे लें, राम से कैसे जुड़े। और जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं, किसी का शरीर छूट जाता है क्या बोलते हैं, कि इरे मोनू राम निकल गयो, ओइज केवे नहीं, ओ बली वो भंवरलाल, ओ बली वो माणकलाल, कहते क्या है, इसके भीतर से राम निकल गया। राम कौन, कौन है वो राम जो हमारे भीतर से निकलते ही हमारा ये सुंदर सुंदर शरीर, ये अच्छे अच्छे गाल, अच्छी अच्छी आंखें, हमारी अंगुलियां, हमारा ये शरीर जिस पर हम इतराते हैं, ये यूं ही पड़ा रहता है, 6 घंटे बाद बदबू मारना शुरू कर देता है, 8 घंटे बाद कीड़े पड़ जाते हैं, 12 घंटे बाद कोई पास आना पसंद नहीं करता इस शरीर के, जिस शरीर से लिपटने का मन करता था, जिस शरीर को छूने का मन करता था, क्या हो गया, हुआ क्या है, कौन था इसके भीतर जिसका तेज झलक रहा था इस शरीर के भीतर थे, वो तेज था केवल और केवल राम नाम का तेज, केवल राम नाम का। और वो राम नाम क्या है, हमारी आत्मा, हमारा आत्म तत्व, और यही सत्य है, यही सत्य है। इसलिए मेरी भागवत कथा ये कहती है कि राम से जुड़ो, किससे जुड़ो, राम से। और राम से कैसे जुड़ोगे, रघुनाथ जी के मंदिर जाओगे, और कहां जाओ, अयोध्या जाओ, अभी राम मंदिर बन रहा है, अभी तो थोड़ा समय बाकी है, राम मंदिर के उद्घाटन में समय बाकी है, लेकिन फलोदी में बैठकर राम से कैसे जुड़ोगे बताओ ना, कैसे जुड़ोगे, पता ही नहीं, कौन कौन लोग फलोदी में बैठकर राम से जुड़े हुए, हाथ खड़े करो, थोड़े लोग ही हैं, हाँ यहां का तो ये तो पूरा राम मंडली है। एक आपको तरीका बताऊं, फलोदी में रहकर अगर आप भगवान राम से जुड़ना चाहते हो तो महाराज फलोदी में वेद भवन है, क्या है, वेद भवन, कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़े करो, सब लोग जानते हो ना, फलोदी में वेद भवन है, और उस वेद भवन में प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह भगवान राम की अमृतवाणी का पाठ होता है, क्या होता है, अमृतवाणी का पाठ। और आज मेरा भी सौभाग्य रहा, मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी आज अमृतवाणी में थोड़ा देर से ही पहुंचा, लेकिन मैं वहां जाकर के आया और मैंने अपना जीवन धन्य किया। आज अमृतवाणी सत्संग मंडल वेद भवन फलोदी के सभी भक्त पधारे हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें, स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान आदरणीय चंपालाल जी गुचिया, आप एक बार मंच पर आ जाएं, प्रतिनिधि रूप में आप एक बार मंच पर आ जाएं, सबको तो मैं बुला नहीं सकता, व्यासपीठ की मर्यादा है, आप यही समझे कि आप सबके रूप में चंपालाल जी आपका प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। मैं पूज्य श्री से अनुरोध करूंगा कि इनको ओपरना उठाकर और इनका सम्मान करें, इनका आदर करें। आप सभी से अनुरोध है, जितनी संख्या में अभी लोग बैठे हैं यहाँ पर पंडाल में, सभी प्रत्येक रविवार, हफ्ते में सप्ताह में एक दिन तो निकालो महाराज राम से जुड़ने का, एक दिन तो जाकर राम से जुड़ो। आप देखना, मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि अगर आपने 4 सप्ताह तक अमृतवाणी में हाजिरी लगा दी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आदरणीय चंपालाल जी गुचिया पहले चेन्नई में निवास करते थे, मद्रास में, वहां पर भी अमृतवाणी का प्रत्येक सप्ताह पाठ करते थे, वहां पर भी, और इनका सम्मान और सत्कार परम पूज्य भुमानंद सरस्वती जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा। ये माला आप सभी की तरफ से अमृतवाणी सत्संग मंडल को पूरे, राम से जुड़िए, राम, राम ही है। और जानते हो राम कैसे मिलता है, अमृतवाणी में जाओ और बड़े प्रेम से अमृतवाणी गाओ, राम केवल प्रेम से रीझता है, किससे, प्रेम से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम प्रेम से ही वश में आता है और किसी से वश में नहीं आता। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करवाया, दूसरी बात बताते हुए कहने लगे कि हे राजन सुनो, माया किसे कहते हैं, माया, माया वह वस्तु है जो किसी वस्तु के न होने पर उसका एहसास कराए, कोई वस्तु है नहीं,
वास्तव में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये है। जैसे जादूगर आता है ना, कई बार जादूगर आता है, जादूगर क्या करता है, एक झोले के अंदर किसी को दिखाता है कि देखो क्या है, होता कुछ नहीं, वो दृष्टि भ्रम कर देता है, भीतर सांप दिखाई देता है, करता है ना जादूगर, अपने हाथ में चाकू मार देता है, खून निकालता है, होता कुछ नहीं वस्तुतः, लेकिन वो दृष्टि भ्रम हो जाता है। तो जो है नहीं उसका एहसास करा दे, और जो है उसे छुपा दे, जो वास्तव में है उसे छुपा दे, उसे माया कहते हैं। तो है क्या नहीं, ये संसार हमारा है क्या, बताओ ना, नहीं है। धन हमारा है, नहीं है। पुत्र हमारा है, नहीं है। पुत्री पत्नी ये सब हमारा है क्या, कुछ भी, और तो और छोड़ो महाराज, ये शरीर भी हमारा नहीं है क्या, बताओ ना, लेकिन फिर भी हमारा होने का एहसास कराती है ना ये माया, क्या कराती है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ओ मारो हैसा, ओ मारो बंगलो हैसा, आहा हाथे ले जाइए, जाओ जाने छाती माथे का आलम, ओ मारो बंगलो है, हमारी कार है, अरे ये जो जमीन देख रहे हो ना, इतनी बड़ी 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 बड़ी, इतने बीघा, ये मेरी है, तेरी है तो साथ ले जाना, हम वो खर्चा हम दे देंगे, वो क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली को टंचिंग करने का, ले जाना कभी साथ में, कुछ भी साथ नहीं जाता। हमारा जो हमारा नहीं है उसे हमारा होने का भ्रम पैदा करे, और जो हमारा है उससे हमें अलग कर दे। तो हमारा कौन है, हमारा है राम, हमारा है प्रभु, हमारा है भगवान, उससे हमें अलग कर देती है, उसे माया कहते हैं, उसे माया कहते हैं। तीसरी बात, ये जगत क्या है, संसार क्या है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब कोई कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाते समय उसमें सभी वस्तुएं, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये पांचों तत्व विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार हे राजन, जब ये परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है, तब वो परमात्मा इस सृष्टि में समाया हुआ रहता है। वही परमात्मा अलग 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 रूप धारण कर और इस सृष्टि के कण कण में समा जाता है। मनुष्य में भी वो परमात्मा है, स्त्री में भी वो परमात्मा है, पक्षी में भी वो परमात्मा है, पशु में भी वो परमात्मा है, पेड़ में भी वो परमात्मा है, जंतु में भी वो परमात्मा है, जीव में भी वो परमात्मा है। एक और बात, जो दृष्टिगोचर नहीं होता उसमें भी वो परमात्मा है। परमात्मा इस सृष्टि से अलग हो ही नहीं सकता, न तो सृष्टि परमात्मा से अलग हो सकती है और न ये परमात्मा सृष्टि से अलग। हाँ, लेकिन वो है लीलाधारी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लीलाएं करता है, अलग 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 रूप धारण कर लेता है जिससे हमें वो नजर नहीं आता। अलग अलग रूप कैसे धारण करता है, जैसे कोई माँ, कोई स्त्री एक सोना लेकर, 100 ग्राम सोना लेकर किसी सोनार के पास जाती है। जब वो सोना लेकर के सोनार के पास जाती है, तब वो क्या कहती है सोनार को कि ये सोना है, क्या कहती है, ये 100 ग्राम सोना है, एक काम करना, इसके अलग अलग आभूषण बना देना, अलग अलग आभूषण। सोनार डिजाइन बताता है, अलग अलग आभूषण तैयार कर देता है। जब वो आभूषण बनकर तैयार हो जाते हैं महाराज, कुछ कान के, कुछ गले के, कुछ हाथ के, कुछ कमर के, जो भी आभूषण होते हैं, जब बनकर तैयार हो जाते हैं, और वो माँ जब घर में लाती है आभूषणों का डिब्बा, तब क्या कहती है, ये कहती है कि मैं सोना लेकर आई हूँ। जाती है तब क्या कहती है, सोना, और जब आती है तब, अरे ये देखो, ये मेरे कान के झुमके, यही होता है ना, कान के झुमके, गले का नेकलेस, हाथ के कड़े, अलग अलग हो गए ना। अब ये समझिए, जब गई तब सोना एक लेकर गई थी, सोना एक लेकर गई थी, लेकिन उसमें से आभूषण कितने बन गए। तो परमात्मा क्या है, एक है, परमात्मा एक है। जब परमात्मा के मन में सृष्टि बनाने का विचार आता है ना, तब वो अलग 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 रूपों में बंट जाता है, आप और हम जैसे खिलौने बनाकर इस सृष्टि का निर्माण कर देता है, और सबके भीतर भी वो ही समाया हुआ रहता है। इसे जगत कहते हैं। और चौथा, आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य मात्र को अपनी आत्मा के बारे में सदैव चिंतन करना चाहिए, सदैव चिंतन। अपनी आत्मा को
अपनी आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं मानना ही आत्मज्ञान है। अपनी आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं मानना, यही आत्मज्ञान कहलाता है, यही आत्मज्ञान कहलाता है। इसी तरह चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान करवाते करवाते यहां पर वेद व्यास जी ने द्वितीय स्कंद को विराम दिया। आइए बड़े प्रेम और भाव से दोनों हाथ खड़े करते हुए, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो तृतीय स्कंद है उसका अर्थ है सृष्टि, उसे सर्ग लीला कहा। पहला अधिकार लीला, दूसरा साधन लीला और तीसरा सर्ग लीला। सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि माने संसार, संसार माने ये जगत जिसमें हम रहते हैं। इस दृश्यमान जगत की, इस संसार की रचना किसने की? ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये चमकने वाले चांद सितारे, ये पृथ्वी पर कल 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 कर बहती हुई ये नदियां, ये उत्तंग पर्वत शिखर, ये सुरम्य वन, ये पेड़, ये पौधे, ये फल, ये फूल, ये जंतु और ये मानव, इनका रचयिता कौन है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? इसका दर्शन हमें इस तृतीय स्कंद में सुनने को मिलता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, ये बात उन दिनों की है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षाग्रह भवन भेजकर आग लगवा दी, उन पर बहुत सारे अन्याय किए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर को छल पूर्वक जुए में उन्हें हराकर उनका सारा राज्य छीन लिया। भरी सभा में जब उनकी पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने खींचे और उसे निःवस्त्र करना चाहा, तब उस भरी सभा में बेचारी अबला द्रौपदी के आंख से आंसू बह रहे थे, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने उन दुष्ट पुत्रों को ऐसा कुकृत्य करने से नहीं रोका। और हे राजन, कौरवों की उस सभा में गुरु द्रोण बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, धौमाचार्य बैठे थे, बड़े बड़े वीर पुरुष बैठे थे, लेकिन रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को खींच करके लाया दुशासन और लाकर भरी सभा में पटक दिया और अट्टहास करते हुए दुर्योधन कहने लगा कि ला दुशासन ला, इस पांचाली को निवस्त्र करके मेरी जांग पर बिठा। इस तरह पांडवों की कुल वधु की लाज आज दांव पर लगी थी। द्रौपदी ने रोते रोते संसार के सारे रिश्तों की ओर देखा, द्रौपदी ने रोते रोते भीष्म पितामह की ओर देखा, लेकिन भीष्म पितामह आंख नीची किए हुए बैठे रहे। गुरु द्रोण की ओर देखा, गुरु द्रोण नजर झुकाए हुए बैठे रहे और धृतराष्ट्र तो बेचारा अंधा था, आंख से तो अंधा था महाराज, ज्ञान से भी अंधा था, बुद्धि से भी अंधा था। गांधारी कुछ बोल नहीं पाई। चारों ओर जब द्रौपदी ने नजर उठाकर देखा और अपने पांचों पतियों की ओर देखा, हारे हुए जुआरियों की तरह अपनी पांचों पति पांचाली के नजर नीचे किए हुए उस भरी सभा में किम कर्तव्य विमूढ़ से बैठे थे। आज द्रौपदी की लाज किसी ने नहीं बचाई। तब द्रौपदी ने मन में विचार किया कि ये संसार के रिश्ते किसी के काम नहीं आते। अपने दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर बनवारी को, गिरधारी को, भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारने लगी। बनवारी रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, ओ मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे, गिरधारी रे, जीने का
सहारा तेरा नाम रे। ओ मुझको दुनिया वालों से क्या काम रे। सिखा आना जाना झूठे श्वास का आना जाना झूठी है ये माया। ओ मुझे अरे प्यारो तेरो नाम रे बनवारी रे गिरधारी तेरा नाम रे। ओ मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और ज्यों ही श्री कृष्ण को पुकार लगाई कृष्ण चीर बनकर उस सभा मंडप में प्रकट हो गए। दुष्ट दुशासन वस्त्र खींचता रहा लेकिन महाराज द्रौपदी तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर झूमती रही नाचती रही। मूर्छित होकर गिर पड़ा दुशासन मूर्छित होकर, लेकिन द्रौपदी की लाज वो उतार नहीं पाया। भला जिसकी लाज स्वयं भगवान रखते हैं उसकी लाज कौन मिटा सकता है, कौन मिटा सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। सभी मौन रहे लेकिन हां विदुर जी ने विरोध किया। विदुर जी धर्म के पक्षधर थे। विदुर जी ने खरी खोटी सुनाई। विदुर जी ने कहा दुर्योधन को कि अरे दुष्ट तुझे लाज नहीं आती, अरे ये तेरे ही तो परिवार की कुल वधु है, तू इसके साथ तो इसकी इज्जत उतारने के लिए
इसकी लाज उतारने के लिए तू ऐसा कुकृत्य कर रहा है? अरे दुष्ट, तुझे धिक्कार है। जब दुर्योधन को फटकार लगाई विदुर जी ने, तो महाराज दुर्योधन भी विदुर जी को अपशब्द कहने लगा अपना तिरस्कार देखकर। और उसी समय विदुर जी ने उस सभा मंडप का त्याग कर दिया, छोड़कर चले गए विदुर जी अपना गांडीव, अपना धनुष हस्तिनापुर की दहलीज पर रखकर उन कौरवों की सभा का त्याग कर और हस्तिनापुर में जाकर एक साधारण मकान में रहने लगे। उधर कुछ दिन बीते, पांडवों की सलाह से भगवान श्री कृष्ण एक बार पुनः शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में आए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन धृतराष्ट्र के आगे प्रस्ताव रखा कि यूं तो जुए में पांडव सारा राज्य अपना सारा अधिकार हार चुके हैं, लेकिन अगर आप 5 ग्राम 5 भाइयों को रहने के लिए दे दें, ये प्रस्ताव लेकर मैं आया हूं। लेकिन महाराज दुष्ट दुर्योधन तो दुष्ट था। दुर्योधन ने कहा कि अरे ग्वाले, कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगा कि अरे तो उनकी तरफदारी करने आया है, उनका पक्ष लेकर के आया है, 5 ग्राम की बात करता है, अरे मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तो फिर सुन लो दुर्योधन, फिर महाभारत का युद्ध होगा। दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। महाराज दुष्ट दुर्योधन ने उस भरी सभा में भगवान कृष्ण को बांधना चाहा, बंदी बनाना चाहा। भगवान कृष्ण ने अपना विराट का दर्शन कराकर और दुर्योधन को मूर्छित कर दिया। उधर हस्तिनापुर के साधारण से घर में विदुर विदुरानी रह रहे थे। विदुरानी को समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए हैं। विदुरानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। विदुरानी ने भगवान श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम किया, अतिशय प्रेम, और उनका प्रेम ऐसा था जो महाराज प्रकट प्रेम नहीं था। एक प्रेम होता है प्रकट प्रेम, जो आप प्रेम करते हो तो प्रकट किया जाता है, और एक होता है अप्रकट प्रेम। विदुरानी का अप्रकट अदृश्य प्रेम था कृष्ण के प्रति। विदुरानी ने विदुर जी को कहा कि हे देव, मुझे समाचार मिले हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज हस्तिनापुर आए हैं कोई संदेश लेकर पांडवों का, क्या वो हमारे घर नहीं आएंगे? विदुर जी कहने लगे कि हे देवी, वो तो अपना कोई कार्य करने के लिए आए हैं, अगर उनके मन में आया तो तुझसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहकर विदुर जी चले गए किसी काम से, और घर में विदुरानी श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। उधर जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट के दर्शन कराए, दुर्योधन की मूर्छा टूटी, तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि हे कृष्ण, आप चलकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। लेकिन महाराज, भगवान किसी धनवान आदमी या राजा आदमी का भोग स्वीकार नहीं करते, वे केवल और केवल भाव देखते हैं। भले ही दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बन गया था, दुर्योधन हस्तिनापुर के सारे साम्राज्य का मालिक था, बहुत धन था, 56 भोग बनाए, लेकिन भगवान जानते थे कि इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है। और ध्यान रखना, मैंने कहा था कथा में, जिसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं हो ना, उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए, उसके घर का अन्न और जल कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। नैनन आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, कि तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। भगवान ने दुर्योधन का वो आतिथ्य ठुकरा दिया, क्योंकि भगवान तो जानते थे ना कि उधर विदुरानी उनका इंतजार कर रही है। महाराज दुर्योधन का आतिथ्य ठुकरा कर और भगवान निकल पड़े विदुरानी के घर की ओर। जा पहुंचे विदुरानी के घर के द्वार पर, और विदुर जी बाहर गए हुए थे, विदुरानी अंदर स्नान घर में स्नान कर रही थी। बाहर से भगवान ने दरवाजा खटखटाया। जो ही दरवाजे की आवाज सुनी, विदुरानी ने भीतर से पूछा कि कौन है? बाहर से भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे काकी जी, काकी जी बोलते थे,
विदुर रानी को, विदुर को काका बोले, विदुर काका। कहा अरे काकी जी मैं हूं। विदुर रानी ने कहा मैं कौन मैं, अरे तुम्हारा कोई नाम तो होगा। कृष्ण ने कहा कि अरे काकी मेरी आवाज नहीं जानती, अरे मैं हूं मैं तुम्हारा कृष्ण। और जो ही विदुर रानी ने सुना कि कृष्ण आए हैं, किवाड़ खोलकर दौड़ पड़ी, जाकर अपने घर का द्वार खोला। विदुर रानी को यह भी होश नहीं कि शरीर पर वस्त्र है या नहीं, गीले वस्त्रों में उसी अवस्था में जिस अवस्था में स्नान कर रही थी महाराज, दौड़ पड़ी, जाकर किवाड़ खोला। सामने भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐसा प्रेम देखा, अपने गले का पीतांबर उतारा, अपने अंग वस्त्र को उतार कर और विदुर रानी के शरीर के चारों तरफ लपेट दिया। विदुर रानी की आंखें आंसू बहा रही है। भगवान का हाथ पकड़कर भावावेश में विदुर रानी भगवान को भीतर लेकर के आई, और भीतर इतने भाव में विदुर रानी वो भूल गई कि वो क्या कर रही है। भीतर लाकर विदुर रानी ने भगवान को नीचे बिठा दिया और स्वयं ऊपर सिंहासन पर बैठ गए। स्वयं सिंहासन पर बैठी है और भगवान नीचे बैठे, और भगवान भी बड़े लीलाधारी, जैसा जैसा विदुर रानी करवा रही है वैसा भगवान कर रहे हैं। भगवान चरणों में बैठ गए, विदुर रानी के पास केले पड़े थे और भगवान की तरफ देख देख कर केले का छिलका उतारने लगी। कौन? विदुर रानी। विदुर रानी का हृदय, विदुर रानी का अंतःकरण, विदुर रानी की नजर सब भगवान से एकाकार हो गए। हाथ काम कर रहे हैं महाराज, केले के छिलके उतार रही है, गिरी उठाकर नीचे फेंक रही है और भगवान के हाथ में छिलका दे रही है। और भगवान भी बड़े लीलाधारी, आहा, भगवान बड़े प्रेम से छिलका लेकर वो छिलका खा रहे हैं। आइए विदुर विदुर रानी की इस प्यारी सी झांकी का दर्शन करें। विदुर गरी पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए 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 विदुर घर पावना, ओ विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं करती विदुरानी, आवत देखा सारंग पानी, विदुर नहीं करती विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, पूरी अंग समावे ना चिंता, भोजन क्या जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, संतों ने घर पावना, भक्तों ने घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
कथा में हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी श्री अर्चिकानंद जी महाराज पधारे हैं। सभी उठकर हाथ जोड़कर पूज्य महाराज जी का अभिवादन करें, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाते। एक बार अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएं। संतों का आगमन हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। सिनका देत श्याम मुख माई, सिनका देत श्याम मुख माई। लाके परम सुहा सुहावना आज हरि आए, विदुर कर पावना आज हरि आए, विदुरी कर पावना, विदुरी कर पावना, संतों ने कर पावना आज हरि आए, विदुर कर पावना आज हरि आए।
सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के जीवन को अपने प्रेम से भर दिया। विदुर और विदुरानी ने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाकर अपने जीवन को धन्य किया। आइए आप और हम सभी मिलकर अपने जीवन को धन्य करें, पावन करें, पुष्पित करें, पल्लवित करें। जानते हो कथा का फल क्या है? कथा का फल क्या है? धन आ जाए, धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, आपका कोई काम बन जाए, आपका कोई झगड़ा शांत हो जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, आपकी प्रतिष्ठा, ये कथा का फल है। कथा का फल ये नहीं है ना। शास्त्र ये कहते हैं कि कथा का फल ये है कि जब भी कभी कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते, कथा के मध्य में कोई वीतराग संत पधार जाए तो समझ लीजिए साक्षात भगवान ने पधार कर हमें कथा का फल प्रदान कर दिया। ये है कथा का फल। और आज की हमारी कथा में देखो ना, भारत में कौन सी दो नदियां प्रसिद्ध हैं बोलो ना, गंगा और यमुना, दो नदियां प्रसिद्ध है ना। तो गंगा नदी के किनारे से, ऋषिकेश से, अपनी गुरु परंपरा से हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य भूमानंद सरस्वती जी महाराज गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर हमारे बीच आए हैं। और वृंदावन की धरती से, वृंदावन से श्री कृष्ण का प्रेम साथ में लेकर, यमुना मैया का आशीर्वाद लेकर परम पूज्य अर्चिकानंद जी महाराज हमारी कथा में पधारे हैं। पूज्य महाराज जी, मैं आपके श्री चरणों में कोटि से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारी कथा में, आज हमारी इस कथा के पंडाल में हम गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम देख रहे हैं, दोनों का संगम देख रहे हैं। और हमारा शास्त्र ये कहता है, यूं तो भागवत का नियम है कि चलती हुई कथा के प्रवाह को रोका नहीं जाता। कोई संसारी आदमी आ जाए, कोई नेता आ जाए, धनवान आ जाए, पद वाला आ जाए, तो महाराज हम कथा को नहीं रोकते। कम से कम मेरी कथा तो नहीं रुकती, मैं नहीं रोकता। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि अगर कथा के मध्य में कोई वीतराग संत आ जाए, कोई ऋषि मुनि आ जाए, कोई गुरुदेव आ जाए, तो कथा को विराम देकर पहले उनका पूजन करिए, उनका पूजन करिए। आइए हम शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री लादूराम जी थानवी से, श्री प्रकाश जी बापना आप पधारें मंच की ओर। जो प्रकाश जी बापना गोकुल धाम आवासीय कॉलोनी जो ये आप देख रहे हैं, इनके ऑनर हैं, मालिक हैं। फलोदी के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी सौगात फलोदी वासियों के लिए दी है, गोकुल धाम आवासीय कॉलोनी। मैं चाहूँगा कि आप मंच की ओर पधारें, साथ में यमुना मैया की गंगा स्वरूप परम पूज्य अर्चिकानंद जी महाराज को लाने वाले प्रकाश जी छंगाणी जी से निवेदन है मंच की ओर पधारे। मैं ब्राह्मण देवताओं से निवेदन करूं कि वे पूज्य संतों का पूजन करवाएं। श्री लादूराम जी थानवी, श्री प्रकाश जी बापना और प्रकाश जी छंगाणी पूज्य संतों का चंदन अक्षत पुष्प लगाकर पूजन करेंगे। आप लोग ऐसे मौन क्यों बैठे हो? भगवान ने दो हाथ दिए हैं ना, हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करिए। मैं निवेदन करूं लादूराम जी थानवी से कि शॉल ओढ़ाकर पूज्य अर्चिकानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय लादूराम जी थानवी शॉल ओढ़ाकर पूज्य अर्चिकानंद जी का स्वागत और अभिनंदन करें।
श्री प्रकाश जी बापना से निवेदन है, इधर पधारे और ये चंदन के पुष्पों की माला पूज्य अर्चिकानंद जी महाराज को समर्पित करें। श्री प्रकाश जी छंगानी से निवेदन है कि आप यह शॉल परम पूज्य भूमानंद सरस्वती जी महाराज को ओढ़ाकर और फलोदी की धरती से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री प्रकाश जी छंगानी पधारे, इनका भी स्वागत और अभिनंदन व्यासपीठ की ओर से। आप सभी की तरफ से प्रकाश जी छंगानी का मैं परम पूज्य स्वामी श्री अर्चिकानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करूं कि इससे पहले कि मैं मेरी कथा को आगे बढ़ाऊं, वे अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप और हम सबके जीवन को कृतार्थ करने के लिए कुछ शब्द कहकर, कुछ अपने अमृत वचन कहकर और हमारे जीवन को धन्य करें। सभी लोग शांत बैठे रहें, पूज्य श्री के पहले अमृत वचन कुछ क्षणों के लिए और उसके बाद में फिर हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्था धन्याति धन्यपवनेन कृतार्थमान् योगीन्द्रदुर्गं गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभवो दिशेऽपि। ये अपना जो फलौदी नगर है, इस पर यहाँ के निवासियों को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। ध्यान क्या है, यहाँ हम शक्ति की भी उपासना करते हैं, यानी शाक्त भी हैं, और जितनी बगीचियाँ हैं सब में भगवान शिव का श्रावण का महीना है, रुद्राभिषेक भी होता है, तो हम शैव भी हैं। और अधिकांश अपने जो है ना पुष्टि मार्गी हैं, बाल कृष्णलाल की यहाँ हवेली है तो हम परम वैष्णव भी हैं। तो यहाँ पर पंचदेवों की उपासना जो है ना देखने में सहज में आ जाती है, और पंचदेवों की कृपा भी इस फलौनी नगर के ऊपर है। अभी कथा के बीच में हमको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन शास्त्री जी का अनुग्रह है इसलिए बोलता हूं, क्योंकि अभी प्रकरण बहुत बाकी है। आज जो है ना प्रहलाद चरित्र तक जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका समन्वय सत चित आनंद से जो है ना तापत्रय विनाश से आप जोड़ सकते हैं। जो हमारे जीवन में भौतिक दैविक आध्यात्मिक त्रुटि हो गई है, दोष हो गया है, उसको तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उस दोष का जो ताप है, उस दोष का जो क्लेश है, दुख है, उसका फल नहीं भोगना पड़े। क्यों? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय का मतलब है राधा कृष्णाभ्याम वयम नमः। युगल स्वरूप के चरणों में वयम से आप तात्पर्य पर लगा लेना, वक्ता और श्रोता, शिष्य और गुरु, राजा और प्रजा, ये सब का समन्वय इसमें आप कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष, जवान और बालक,
ये सब का इसमें समन्वय हो जाता है। जो भगवान को हाथ जोड़ करके हृदय से नमस्कार करता है इन तापों से छूट जाता है, जन्म जन्मांतर के ताप से छूट जाता है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है सत्यम परम धीमहि, और जब हम पूर्ण करते हैं तो नमामि हरिम परम, यानी श्रीमद् भागवत का जो भाव है वो बिल्कुल सत्य से है। हम जब पंचदेव उपासना करते हैं तो उसके साथ साथ में इनके अस्तित्व को, चेतन तत्व को मान करके, सत्य मान करके इनकी उपासना करनी, इसलिए असत्य मार्ग पर हमको नहीं चलना चाहिए। अब प्रकरण में जो है ना, पहले स्कंद के अंदर में एक चीज ध्यान देना चाहिए, भीष्म स्तुति का, इति मतिर उपकल्पिता। हमारी जो बुद्धि है, आप जब अपने कन्या का विवाह करते हैं तो आप लड़का बहुत अच्छा देखते हैं, लड़के के लिए जब कन्या का वरण करते हैं तो उसका भी आप जो है ना बहुत तपास करते हैं, यानी लड़की शुद्ध होनी चाहिए, लड़का शुद्ध होना चाहिए। तो ये हमारी बुद्धि रूपी जो कन्या है, इसका जब हम भगवान से प्रण आते हैं तो कैसी होनी चाहिए, ये हमें अपने आप सोच लेना चाहिए। दूसरे स्कंद के अंदर में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, उत्पत्ति और उत्पन्न, तीसरे स्कंद की कथा अभी आप सुन रहे थे। विदुर जी के चरित्र से लेना चाहिए, हम ब्रज में भी जाते हैं, गिरिराज महाराज की खूब परिक्रमा करते हैं, हरिद्वार में भी जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री भी जाते हैं। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो हमारे हाथ पांव वाणी नेत्र ये कैसे होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। भागवत के अंदर भी मूल में ये सब बहुत साफ साफ बातें लिखी हैं। इस पृथ्वी को हमको साफ सुथरा कैसे रखना चाहिए, जैसे पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को अपनी पुत्री माना, भरत जी महाराज के जैसे हमारे अंदर में त्याग होना चाहिए। और जब भरत चरित्र समाप्त होता है तो वहां पर एक जब अध्याय शुरू होता खगोल और भूगोल, तो आपको बताऊं वहां पर एक शब्द है, निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजी विसंति, हम अपने कंधों के ऊपर पुत्र और पिता को लेकर के श्मशान में जाते हैं, इन्हीं हाथों से जला करके उसको राख कर देते हैं, लेकिन हम खुद क्या सोचते हैं, हम अजर अमर हैं। ये भी बातें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे आप कई बातें ध्यान देंगे तो ध्यान में आएगा, लेकिन आपको हम सीधे दसवें स्कंद में ले चलते हैं। पहली तो आपको बता दें, हमारे व्यासपीठ पर बैठे हुए श्री कैलाश जी जोशी जी जो हैं, इनका नाम ही है कैलाश, कैलाशो यस्य कैलाश, जो मानसरोवर है, मानसरोवर दर्पण के जैसे है, उसमें कैलाश दिखाई दे, लेकिन जैसे जो है ना कैलाश के मान सरोवर में कैलाश दिखाई देता है, उसमें शिव और पार्वती दिखाई देते हैं, सांबा का दर्शन होता है, उसी प्रकार से हमारे ब्रज के अंदर में भी जो है मान सरोवर है, और वो मान सरोवर के किनारे क्या है, श्री राधा रानी का मंदिर है, आधिपत्य है, वहाँ पर अपने बल्लभ संप्रदाय की बैठक भी है। हमारे सागरिया महाराज ने किसी समय एक संतोष करके भांडीरवन का था, उसके द्वारा सेवा भी कराई थी। तो यदि राधा कृष्ण का दर्शन करना हो तो आपको ब्रज के मान सरोवर में चले जाना चाहिए, श्रावण का महीना है, यदि जो है भगवान शिव पार्वती का दर्शन करना हो तो कैलाश चले जाना चाहिए मान सरोवर। अभी हम भागवत के अंदर में बैठे हैं, हमारे बल्लभ संप्रदाय के अनुसार श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप,
सुबोधनी जी श्री राधा रानी के स्वरूप। वस्तुतः आप श्रीमद् भागवत की कथा नहीं, युगल स्वरूप का आप दर्शन करते हैं। दसवीं स्कंद का जो प्रारंभ होता है उसमें एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जो जिस संप्रदाय से दीक्षित है उसके लिए वो संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, जो जिस इष्ट को मानता है उसके लिए वो इष्ट सर्वोपरि है, गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र सर्वोपरि है। क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर जो प्रारंभ करते हैं, कथितो वंश विस्तारा भवताम सोम सूर्यो, परीक्षित जी महाराज को ऐसा लगा जो है सुखदेव जी महाराज ने विस्तार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट तो बालकृष्णलाल थे। अब बालकृष्णलाल के जो है पहले जो लगा तो उनको बड़ा विस्तार लगा, इसलिए अपना संप्रदाय, अपना गुरु, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र ये सर्वश्रेष्ठ होता है, ये मान के चलना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु बिन कौन उतारे पार, डगमग डोल डर काहे का, डगमग डोले सिर पर डोले कार, इस नैया के गुरु खेवैया, सदगुरु बड़े दया। तो गुरु जो हैं दयालु होते हैं, और जो भी वक्ता होते हैं वो सुखदेव जी के रूप हैं। कैलाश जी के नाम का इतनी हम व्याख्या करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको दसवें स्कंद के अंदर में जो है ना रास की बात आपको बताते हैं, रास का जो प्रकरण है वो कोई सामान्य चीज नहीं है। यदि आपका हृदय बिल्कुल मानसरोवर हो जाए, मानसरोवर का मतलब प्रेम से बिल्कुल पोला हो जाए, प्रेम रस जो है उसके अंदर में हिलोले, राधा कृष्ण कोई स्वरूप नहीं समझ लेना, राधा कृष्ण यानी प्रेम का समुद्र, एक हिलो आती है तो कृष्ण, दूसरी आती है तो राधा, कभी राधा कभी कृष्ण, कभी राधा कभी कृष्ण, और ये दोनों प्रेम के रूप हैं। जब गोपियां घर से चली, एक तो जब हम साधना करते हैं भगवान से मिलने के जाते हैं तो सामूहिक नहीं अकेलापन होता है, तो गोपियां अकेली चली। महाराज उस समय का वर्णन जो आता है, आने के बाद में गोपियों जैसा किसी के अंदर में वैराग्य नहीं। गोपियों ने जब छोड़ा तो छोड़ने के बाद में हमारे रूप गोस्वामी जी महाराज का एक श्लोक है, उन्होंने बोला दुनिया के अंदर में जो आप सुख आनंद की कल्पना करते हो, धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, अन्य किसी प्रकार से भी जितने भी सुख आनंद की कल्पना करते हो, भगवान के विरह के अंदर में जो ताप है वो ताप का जो है शतांश भी वो बराबरी नहीं कर सकते, इतना सुख भगवान के वियोग में होता है। वहाँ एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना, मिलता शब्द है, संगता शब्द है, अशुभा शब्द है, मंगला शब्द है, और अंतिम में क्षीण बंधना। जहोर गुणमयम देहम बोलते हैं, ये त्रिगुण से बना हुआ जो प्रकृति ने बनाया शरीर, ये वहां पर समाप्त हो जाता है। यदि रास का वास्तविक रूप से जो है ना आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के बाद में जितने भी बंधन है अपने आप समाप्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का बंधन वहां पर नहीं होता है। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या पिसंगता जोर कुर्मयम देहम, बोलती हैं भाई जो है तमेव परमात्मा, भगवान का अवतार क्यों होता, भगवान का अवतार दुष्टों के दमन के लिए नहीं होता है, भक्तों के संरक्षण के लिए होता है। आप भगवान श्री कृष्ण को जो है ना वहां प्रश्न उठाया, भगवान कृष्ण को आप कृष्ण मानो या नहीं मानो, क्योंकि बहुत सी गोपियां थी, गोपियों में कोई कोई गोपी ऐसी थी जिसका कांत भाव था, और उसी को बोलते हैं जार बुद्धि,
और ये जार बुद्धि देखो, आपको बताऊं, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में, हमारे निम्बार्क संप्रदाय में ये उसको मानते ही नहीं है। और आगे जा करके हमारे वल्लभ संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में मानते हैं, रामानुज संप्रदाय वाले नहीं मानते, उनकी उपासना दूसरे ढंग। लेकिन श्रीमद् भागवत के ऊपर टीकाएं सब की, दुनिया के जितने बंधन हैं, पूर्व मीमांसा क्या मानता है, पूर्व मीमांसा मानता है कर्म से बंधन है और कर्म से ही मुक्ति है। बोलते हैं सर ये पूर्व मीमांसा वालों का मत है, सकामता से बंधन है, निष्कामता से मुक्ति है, एक कर्म योगियों का मत है। ऐसे ही जो है ना विक्षेप से जो है ना विक्षेप से जो है बंधन है, समाधि से मुक्ति है, ये योगियों का मत है। सांख्यवादियों का मत है विवेक से मुक्ति है, अविवेक से बंधन है। वेदांतियों का मत है अज्ञान से बंधन है, ज्ञान से जो है ना मुक्ति है। लेकिन ये जो हमारे जो है ब्रज के जो भक्त हैं, आपको बताएं विनिर्ग मां जो शब्द है वहीं से पुष्टि संप्रदाय का वल्लभाचार्य जी ने मत वहां से लिया है। गोपी का कोई सहारा नहीं, जब वो घर से चली तो चलने के बाद में पति ने, पिता ने, पुत्र ने, भाई ने, बंधुओं ने, सभी ने अर्चन डाली। लेकिन महाराज वो जब बैठी, दरवाजा एक आदमी ने बंद कर लिया, उसको निकलने की जगह नहीं थी, समाधि लगाई और लगाने के बाद में जो है ना सब कुछ उसका समाप्त हो गया, चिन्ह में शरीर प्राप्त हुआ, ध्यान में भगवान की प्राप्ति हुई, प्राप्त होने के बाद में सामने भगवान। जब सब सहारा छूट जाता है, मर्यादा में अपना जो है परिश्रम चलता है, लेकिन पुष्टि में बिल्कुल जैसे माँ बाप बच्चे का पोषण करते हैं, हम वृक्षों का पोषण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। इसलिए ये जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी उपासना की पद्धति थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन भगवान के ईश्वर को सभी मानते हैं। भगवान जीव के पोषण के लिए, जीव के कल्याण, आप भगवान को मानो या नहीं मानो, आप गंगा जी में नहाओगे, आप श्रद्धा से करो तब भी, नहीं करो तब भी गंगा जी अपना फल दे देती हैं। उसी प्रकार से जो है अग्नि में दाहकत्व होता है, दाहकत्व दे देता है, तो भगवान भी तमेव परमात्मानम, भगवान श्री कृष्ण जो है परब्रह्म परमात्मा हैं। गोपियाँ किसी भी भाव से गोपियाँ अपना मत लेकर के जाएं, लेकिन गई कहाँ पर, भगवान के पास में गई, इसलिए जो है बोलती हैं वहाँ पर कोई भाव नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जार बुद्धिया, जार का मतलब होता जर यतिथि जारम, जो सभी को जला जाए। वहाँ पर महाराज जो है अशुभ नहीं है, शुभ नहीं है, मंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जो जला दे, नाना प्रकार की भोग वासनाओं को जो जला दे, उसको बोलते हैं जार। इसलिए आप जो है ना भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, तो ध्यान करने के बाद में भगवान आपको जहाँ पर बैठे हो वैसे के वैसे आपके हृदय में आ जाए। आप वृंदावन में जाओ या नहीं जाओ, कैलाश में जाओ या नहीं जाओ, लेकिन आप हृदय को ही वृंदावन बना लो, और उस हृदय के अंदर में जो है वृंदावन विहारी। श्रावण का महीना है, और इस श्रावण के महीने में जानते हो ब्रज में क्या होता है, झूला पड़ते हैं, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। तो आप जो है आप अपने हृदय रूपी जो है ना वृंदावन के अंदर में इस हृदय को निकुंज बनाओ, और इस निकुंज के अंदर में राधा कृष्ण का झूला झूलाओ और अपने आनंद में मग्न हो जाओ। और वो कौन कर सकता है, तो हमारे फलौदी में हमारे कैलाश जी यानी आशुतोष भगवान, भगवान शंकर जो है ब्रज के अंदर भी गोपीश्वर और जो है बनखंडी महादेव, आशेश्वर, चिंता हरण, भूतेश्वर, नाना प्रकार रूपों से आकर के ब्रज में विराजमान हो गए। इसलिए ये कथा भी जो है भगवान जैसे जो है ना, अब वहाँ आप गए होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर में जो है अमरनाथ, तो मानतलाई से लेकर के अमरनाथ तक अंदर अंदर गुफा है। महाराज जो है भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। हमारी हालत तो भाई आपको क्या बताएं, हमारी हालत तो जो है विचित्र हो गई, और कैसी हो गई वो भी आपको बता देता हूँ।
बोलते हैं एक बार जो है ना आप बरसाने से जो है ना नंदगांव जाओ तो वहाँ संकेत बन है, संकेत मन है तो वहाँ पर जो है ना भगवान श्री कृष्ण राधा जी के हाथ में जो है ना सुखदेव जी महाराज वो पट हाथ में थे, राधा रानी जो है ना कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे बोलती थी और दाड़िम के जो है ना फल चुगाती थी। लेकिन जो है ना वहाँ से उड़ करके जो है ना उड़ करके वो संकेत वन में चले गए और जब गए तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है जब सुना तो सुनने के बाद वे नारायण जो है उन्होंने बोला जो है ना तुम्हारा जीवन अधत्य है। लेकिन उस पोपट ने सुखदेव ने क्या बोला, बोलते हैं महाराज जिसकी आप प्रशंसा करते हो ये उसके लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है, तो बोलते हैं मैं उस हाथ से जो है ना मैं च्युत हो गया हूँ, इसलिए हम लोग तो है भाई पतित के हैं, हमारे हृदय के अंदर में वृंदावन हो और ठाकुर जी का झूला हो और जो ठाकुर जी झूला झूलते रहें। आप कभी ध्यान में देखेंगे वास्तव में यदि आपके हृदय में ठाकुर जी प्रेरणा करें तो आपको ब्रज ब्रज नहीं दिखाई देगा, ब्रज की लताएं नहीं दिखाई देंगे, ब्रज के वृक्ष नहीं दिखाई देंगे, ये सब के सब गोपी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और बिल्कुल बीच के अंदर में जो है सुंदर सिंहासन बना हुआ है और उस सिंहासन के ऊपर जो है ना युवल स्वरूप विराजते हैं और विराजने के बाद में चारों तरफ जो है ना आनंद ही आनंद छा रहा है। देखने में आपको कुछ दिखाई देगा लेकिन वास्तव में यदि ठाकुर जी की कृपा हो जाए श्री राधा रानी की कृपा हो जाए तो आपको निकुंज में जो है झूला झूलते हुए ठाकुर जी का दर्शन होगा। तो हमारे जो है ना ये काम कोई दूसरा नहीं, हमारे काम कोई जो है हमारे कैलाश जी महाराज कर रहे हैं यानी भोले बाबा कर रहे हैं। तो बड़े आनंद से ब्रज का आप आनंद लो। देखो टाइम नहीं लेना चाहिए, अभी इनका बहुत प्रकरण जो है ना बाकी है, इनके नाम की व्याख्या करें तो मेरे को जो है ना घंटा दो घंटा लग जाएगा, लेकिन इतने में समझ जाओ शिव स्वरूप हैं। आनंद के साथ आपको कथा, हमारे पुष्करणा समाज में फलौदी वालों को भी क्या करना चाहिए, अपने जो बच्चे हैं चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं किसी लाइन में जाती हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ऐसे लोड़िया में करना चाहिए, बाप में करना चाहिए, पोखरण में, जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ हमारे बंधु हैं वहाँ सभी जगह ऐसे आयोजन करना चाहिए। कुछ बच्चों का कुछ लोगों का ऐसा विचार है ये हरिद्वार में एक पुष्करणा भवन होना चाहिए, तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति को जब आप आगे करेंगे आगे जिम्मेवारी देंगे तो जिम्मेवारी देने के बाद में ही तभी उसका निर्माण होगा। उसमें जो है ना ऐसा नहीं मैं ही कर सकता हूँ, बॉम्बे के लोगों को जो है ना आगे आना पड़ेगा क्योंकि उद्योगपति वहाँ हैं, आजकल के हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बड़े दानी भी हैं, खर्चा खुले दिल से कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए क्योंकि जो रहेगा वो तन से मन से धन से जो है ना परिवार का त्याग करना पड़ेगा, उसको वास्तव में सन्यासी का रूप धारण करना पड़ेगा तभी ये सब काम हो सकता है। ऐसे ब्रज में भी आवश्यकता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा इधर उधर लगा देते हैं फिर वो बेकार भी हो जाता है, तो समाज वालों को गांव वालों को परिवार वालों को सभी को इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए और अच्छा निर्णय करना चाहिए। हम तो अभी जो है ना आपसे सभी से प्रार्थना करेंगे, आप पंचदेव उपासना करने वाले हैं, ठाकुर जी के नगरी में हैं, ठाकुर जी आप सभी के ऊपर कोई न कोई ऊपर लटियाल माता की कृपा, किसी पर बाल कृष्णलाल की, आशुतोष भगवान की, सूर्य भगवान की, गणेश जी, सिद्धि विनायक जी महाराज कृपा करते हैं, तो कैलाश जी हमारे जो है ना अभी युवा हैं हमारे में तो भाई शक्ति नहीं है पर तब भी जो है ना जहाँ जैसे कहेंगे करने को तैयार हैं, तो ऐसे जो है ना ऐसे व्यक्तियों को जो है ना बच्चों को आगे करना चाहिए, संतों का सानिध्य मिलना चाहिए तो हमारा सब काम निर्विघ्न हो जाएगा। ठाकुर जी आपके हृदय में विराजें, आप नित्य निकुंज में झूला झूलाते रहें, श्री जी बाबा कृपा आँख मारी उघड़े त्या श्री जी बाबा देखूँ, धन्य मारु जीवन कृपाए नीलेखूँ, हमारी आँख जहाँ जहाँ खुले हमारे वल्लभ संप्रदाय के अंदर में क्या करना चाहिए। एक तरफ जो है ना एक तरफ वल्लभाचार्य जी महाराज, एक तरफ जमुना जी और बीच में श्रीनाथ जी का दर्शन हमको होते रहना चाहिए। अथवा महाराज अधरम मधुरम बदनम मधुरम अधरम मधुरम
बात क्यों बताया? पूरे जीवन में मेरे को ब्रजवासियों में एक आदमी मिला, और ब्रजवासियों में नहीं पूरे भारत में, उसकी पत्नी सदु पांडे का जो घर है उसके पास में। वल्लभाचार्य जी महाराज इधर से चल रहे हैं और उधर से जो है ना श्री जी बाबा जो है नीचे उतर रहे हैं। जब हम दर्शन करें तो हमारे सामने इधर वल्लभाचार्य जी महाराज, उधर से जो है ना श्री जी बाबा का हमको गिरिराज जी के ऊपर दर्शन हो, ऐसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आँख हमारी उघड़े त्यां श्री जी बाबा देखूँ, धन्य मारू जीवन कृपा एनी लेखूँ, उस रूप में हमें दर्शन करना चाहिए। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री कैलाश जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय। ओम ओम। पूज्य श्री के श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि से नमन करता हूं। आप पधारे हमारी कथा में, आपके साथ हमारी गुरु परंपरा आ गई। आपके वचनामृत से हमारा जीवन धन्य हो गया, और वचनामृत कहते कहते पूज्य श्री जो आपकी आंखों से जो गंगा और यमुना बही हैं, इसने आज हमारा जीवन पवित्र कर दिया, पवित्र कर दिया। जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं ना, ध्यान देकर के सुन लेना, जब किसी कथा में कोई वीत राग सन्यासी महापुरुष आकर अनायास ही आपके बीच बैठ जाए और अपने इष्ट की बात करते करते, अपने प्रभु की बात करते करते, आपसे बात करते करते अगर उसकी आंख गीली हो जाए, तो समझ लेना कि उस संत ने आपको आज गंगा और यमुना में डुबकी लगवा दी, डुबकी लगवा दी। पूज्य श्री आज हमारी कथा तो धन्य हो गई, आज हमारी कथा तो सफल हो गई। कहते हैं कि किसी अनुष्ठान का फल उसके समापन पर, विराम पर, पूर्णाहुति दिवस पर मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान ने तो ऐसी कृपा की कि आज आप दोनों महापुरुषों को यहाँ भेजकर हमारी भागवत कथा का पूरा फल आज तीसरे दिन ही हमें प्रदान कर दिया, प्रदान कर दिया। आपकी अनुकंपा और आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे। पूज्य श्री बात कर रहे थे हरिद्वार में धर्मशाला की, फलोदी की धर्मशाला। फलोदी की धर्मशाला पूरे भारत में कहीं नहीं है, कहीं नहीं, मुझे ये कहते हुए अतिशोक्ति नहीं होती। हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर किसी को जाना है, हर कोई जाता है और हर कोई जाएगा, चाहे कैसे भी जाओ, शरीर में जाओ और या फिर महाराज डिब्बे में जाओ, जाना तो पड़ेगा। लेकिन हम कभी जागृत नहीं होते, हम कभी अपने समाज की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने नगर की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। जैसा पूज्य श्री ने कहा कि इधर उधर छोटे 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 हम खर्चे करते रहते हैं, इधर उधर सहयोग करते रहते हैं, क्यों ना हम सभी फलोदी वासी मिलकर एक संकल्प लें कि माया नगरी हरिद्वार की पुण्य धरती पर राज राजेश्वरी पराम्बा भगवती माँ लटियाली का एक लटियाल भवन बनाया जाना चाहिए, एक लटियाल भवन बनाया जाना चाहिए। और ये संभव है, बिल्कुल संभव है। फलोदी वासी अगर किसी बात को ठान ले, कोई बात का संकल्प ले ले, तो महाराज क्या वो असंभव हो सकता है? बताइए ना, कभी नहीं हो सकता। आप नहीं जानते इस घोर कलयुग में, इस संपूर्ण समूचे भारत में अगर सबसे पहला लक्ष्य चंडी महायज्ञ हुआ तो मेरी जन्मभूमि फलोदी की धरती पर हुआ। सब कुछ संभव है, बस एक संकल्प चाहिए। और पूज्य श्री ने संकेत दिया है तो मैं पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करूं कि पूज्य श्री हमारी कोशिश चल रही है। हालांकि ये बात मैं अभी नहीं बताना चाहता था, पर आज अवसर अच्छा है। करीब करीब 90%
धर्मशाला कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, किस स्थान पर बनेगी, इसकी संरचना और व्यवस्था तैयार हो चुकी है। ये फलोदी वासियों को मैं समाचार दे दूं। केवल और केवल जरूरत थी आज आपके आशीर्वाद की, तो मुझे ये लगता है कि वो जो 10% बाकी है उसका काम आज आपकी उपस्थिति ने, आपके आशीर्वाद ने हमारे लिए पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। और अगर भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष 2024 में हम सभी फलोदी वासियों को हरिद्वार ले जाकर हमारे खुद के लटियाल भवन में कथा गाकर वहां कथा सुनाएंगे। चूंकि कथा का विराम चल रहा है, चलते हुए विराम में कुछ घड़ियां और लूं। मेरे मित्र बहुत अच्छे साधक हैं, भगवान के गोस्वामी परिवार से संबंध रखते हैं। जगदीश जी गोस्वामी, आप पधारे मंच पर, आप काफी देर से आए हुए बैठे हैं, फिर मैं कथा में प्रवेश करूंगा। चूंकि कथा विराम चल रही है, आप आए और जो भी हार पुष्प आप व्यासपीठ के लिए लाए हैं वो आप संतों को समर्पित करें, इनका सम्मान करें, इनका स्वागत करें। जगदीश जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा पूज्य संत चरणों से कि इनको आशीर्वाद देकर ओपरणा उड़ाकर इनका सम्मान करें। आप जो भी पुष्प हार लाए हैं संतों को पहनाइए, संतों को पहनाइए। आप लोहावट में निवास करते हैं, यूं तो पेशे से शिक्षक हैं लेकिन साधक हैं, और साधकों का हमारी भागवत कथा में स्वागत है। बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे, बहुत सारी साधनाएं गुरु कृपा से इनको प्राप्त हैं और गोस्वामी समाज से संबंध रखते हैं जी। पूज्य श्री से निवेदन किया आपको ओपरणा उठाकर सम्मान आशीर्वाद, इनका जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आप विराज आइए, कथा में प्रवेश करें। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की कृपा विदुर और विदुरानी पर हुई। विदुर जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को कौरवों की सभा में संधि प्रस्ताव लेकर जाने के बाद जो भी वार्तालाप हुआ वो बताया, और भगवान श्री कृष्ण विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर जी, अब महाभारत का युद्ध तय है। महाभारत के युद्ध को अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दुष्ट दुर्योधन तो 5 ग्राम छोड़ो सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए हे विदुर जी, अब मेरी आज्ञा है कि आप तीर्थों की ओर प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि आपने अपना धनुष हस्तिनापुर की दहलीज पर रख दिया, आपने संकल्प लिया कि आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे। हे विदुर जी, मेरी आज्ञा से आप तीर्थ यात्रा करें। भगवान वहां से विदा हो गए। विदुर जी भगवान से विदा लेकर भगवान की आज्ञा मानते हुए तीर्थों की ओर प्रस्थान कर गए। और कथा कहती है तीर्थों में घूमते 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 कई वर्ष बीत जाने के बाद विदुर जी की मुलाकात तीर्थों में मैत्रेय जी से हुई। मैत्रेय जी को जब विदुर जी ने देखा, मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए विदुर जी मैत्रेय जी से कहने लगे कि हे मैत्रेय जी, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, आप भगवान श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम जाने से छोड़कर जाने से पहले मुझे आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने का आदेश दिया था। भगवद प्रेरणा से ही आज आपका और हमारा मिलन हुआ है। भगवान के स्वधाम गमन की बात मैत्रेय जी ने विदुर जी को कही। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय, ब्रह्मांडों का निरूपण, अन्य अन्य बहुत सी कथाएं की, और कथाएं कहते हुए मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, एक समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम जी को आज्ञा दी कि हे कर्दम जी, अब आपके संन्यास जीवन को बहुत लंबा समय बीत गया, आप संसार का कल्याण करने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और अपने समान एक संतान उत्पन्न करो। भगवान की आज्ञा मानकर कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर एकाग्र चित्त होकर और ध्यान में बैठ गए। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तप किया, और जब सतयुग का आरंभ हुआ तब भगवान श्री हरि ने मूर्तिमान होकर कर्दम ऋषि को दर्शन दिए।
कर्दम जी ने भगवान का दर्शन किया और कर्दम ऋषि भगवान के चरणों में कहने लगे कि हे प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर मुझे मेरे नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज के समान हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री हरि कर्दम ऋषि से कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिस फल के हेतु तुमने एकाग्रता से मेरी आराधना की है, मैंने उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी है। मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। कर्दम जी, तुमसे मिलने के लिए महाराज स्वयं भू और उनकी पत्नी सतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, तुम्हें अर्पण करेंगे। देवहूति से तुम्हारा विवाह होगा। सबसे पहले तुम्हारे घर में 9 कन्याएं जन्म लेगी और फिर उसके बाद में मैं स्वयं अवतार लेकर अंश रूप में आपके पुत्र के रूप में आपके घर में आऊंगा। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर मनु महाराज और शत्रुपा कर्दम ऋषि के आश्रम पधारे और अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात देवहूति अपने पति कर्दम की बड़े ही सच्चे मन से, सच्चे भाव से और श्रद्धा से, आदर भाव से सेवा करने लगी। सेवा करते 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 देवहूति ने अपने पति कर्दम ऋषि का मन जीत लिया। माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए और नारियों के लिए शास्त्र में एक बात कही गई कि माताओं को सदैव सदैव अपने पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। अपने पति की निश्चल भाव से सेवा करें। माताओं के लिए कोई बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और तीर्थ जाना, अनुष्ठान इत्यादि करना, इसकी आज्ञा नहीं की गई। माताओं के लिए केवल और केवल यही कहा गया कि वो अगर निश्चल भाव से अगर अपने पति के चरणों की सेवा कर ले तो उस माता को सारे अनुष्ठानों का फल अनायास ही मिल जाता है। पति की चरणों की सेवा का अर्थ केवल ये नहीं कि पति की ही सेवा करे। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि पति को ही गर्म रोटी खिलाए, पति के चरण दबाए, पति को चाय पिलाए और सास और ससुर की अवहेलना करे। नहीं महाराज, कल को ऐसा नहीं कि आप स्वयं घर जाकर कह दो कि महाराज ने कहा कि पति के ही चरण दबाने हैं, सास ससुर के नहीं। नहीं महाराज, ध्यान से सुनना, पति का अर्थ है कि पति से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों का कुशलता पूर्वक वो नारी ससुराल जाकर निर्वहन करे। जब भी कोई कन्या अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है ना महाराज, तो उसे वहां से तो अपने माता पिता को छोड़ करके जाती है, लेकिन उसे वहां एक और माता पिता मिलते हैं जिसे धर्म के माता पिता कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 माता और 2 पिता होते हैं। पहले 2 माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और विवाह के पश्चात 2 धर्म के माता पिता। तो माता का ये धर्म बनता है, स्त्री का ये धर्म बनता है कि जो ही अपने ससुराल में प्रवेश करे अपने ससुर को अपने पिता के तुल्य माने। एक पिता को छोड़कर आई है ना, तो ससुर पिता के समान, सास माता के समान, ननंद बहन के समान, देवर छोटे भाई के समान और जेठ बड़े भाई के समान। इस तरह से जो कन्या अपना जीवन निर्वहन करती है ना महाराज, मेरी व्यास पीठ ये कहती है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, कभी कष्ट नहीं आता। देवहूति ने अपने पति कर्दम का मन जीता। कर्दम जी देवहूति की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने एक विमान का निर्माण किया जिसमें देवहूति और कर्दम ऋषि ने कई वर्षों तक विहार किया। उस दिव्य विमान में बैठकर अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाने लगे और समय आने पर भगवान की आज्ञा से उनके घर में 1 के बाद 1 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और फिर भगवान के दिए गए वरदान के अनुसार अनुकूल समय आने पर स्वयं भगवान श्री हरि देवहूति के गर्भ से अवतार लेकर के प्रकट हो गए। जब भगवान ने अवतार लिया आकाश में मेघ मंद मंद जल बरसाने लगे, गंधर्व लोग गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। Oh, 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 oh
कथा का प्रभाव ऐसा है महाराज कि हमारे गंधर्व लोग भी खो जाते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। आ सावधान रहा कर। भगवान अवतार लेकर प्रकट हो गए। जब भगवान ने कर्दम ऋषि के घर में अवतार ग्रहण किया, स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पधारे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और आकर अपने पुत्र कर्दम ऋषि को कहने लगे कि हे पुत्र कर्दम, ये तुम्हारे पुत्र के रूप में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई साधारण आत्मा नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि अवतार लेकर के आए हैं और इस सृष्टि में ये कपिल नाम से जाने जाएंगे। बोलिए कपिल भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार समय आने पर विवाह योग्य हुई अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर्दम जी ने भृगु आदि ऋषियों के साथ किया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं वन गमन करने के लिए प्रस्थान कर गए। क्योंकि कर्दम ऋषि ने देवहूति को वचन दिया था कि हे देवी, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो कर रहा हूँ भगवान की आज्ञा मानकर, ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर, लेकिन हे देवी, जिस दिन मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा, जिस दिन मेरे घर में पुत्र जन्म ले लेगा, उस दिन मैं इस गृहस्थ जीवन का त्याग कर पुनः आत्मा अपना आत्म कल्याण करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। जो ही भगवान पुत्र बनकर आए, कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया, गृहस्थ धर्म के नियम को निभाया और फिर स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। अब महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम में माता देवहूति और कपिल भगवान दोनों निवास करने लगे। चूंकि देवहूति माँ को ये पता था कि जो पुत्र बनकर के मेरे जीवन में आया है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं श्री हरि। एक दिवस की बात, एक दिन देवहूति माता ने कपिल भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया, स्वयं नीचे बैठ गई और हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे जीवन का कल्याण करने के लिए मेरे घर में अवतार लेकर के आए हैं, इसलिए हे भगवान, आज मैं आपके भीतर मेरे गुरु का दर्शन कर रही हूँ। हे गुरुदेव, आज दया करो, आज कृपा करो और मेरे जीवन को आनंद से भर दो। कौन कौन ये चाहता है कि उनका जीवन आनंद से भर जाए? सभी चाहते हो ना? तो गुरुदेव हमारे सामने विराजमान है, गुरु परंपरा हमारे सामने विराजमान है। आइए बड़े प्रेम और भाव से आनंद में भरकर हम कपिल भगवान का स्वागत करें। मैं शरीर पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया कर के मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया कर के मुझको अपना लेना। ओ मैं शरणी पड़ा तेरी गुरुदेव, मैं शरणी पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। घटा बरसत वाणी अमृत धारा,
कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ओ पापी हुआ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ओ मेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको दया करके मुझको अपना लेना। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, एक समय कपिल भगवान अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने आसन पर विराजे। माता देवहूति हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान, आप मुझे वह शाश्वत साधन बताइए जिससे जीव सहज में ही आपके स्वरूप को प्राप्त कर सके। कपिल भगवान कहने लगे कि हे माता, आध्यात्म योग ही मनुष्यों के आंतरिक कल्याण का परम साधन है। जहाँ सुख और दुख की सदा निवृत्ति हो जाती है, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण ही हे माता मन को माना गया है। जब ये मन विषयों के अधीन हो जाता है तब मनुष्य को बंधन में डाल देता है, और यही मनुष्य का मन जब भगवान की तरफ अग्रसर हो जाता है तो वो मन मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बना देता है। गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण यही कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मनमना भव मद भक्तो, तू अपने मन को मुझ में लगा, मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, मामे वैश्यसी युक्तेव, तू मुझसे युक्त हो जा, मात्मानं परायणं, तू मेरे अलावा और कहीं ध्यान मत दे, बस मुझसे युक्त हो जा, मुझसे युक्त हो जा, तू मेरा भक्त बन जा। कपिल भगवान कहने लगे कि हे माता, जिस जीव का चित्त एकमात्र भगवान में लग गया है और जो श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की सही भक्ति का स्वरूप है। स्वाभाविक प्रति, भगवान के प्रति भक्ति करने का स्वाभाविक रूप क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? क्या भक्ति का अर्थ यह है कि बड़े बड़े त्रिपुंड लगाओ, बड़े तिलक लगाओ, बड़ी बड़ी शौलें ओढ़ो और महाराज बड़े बड़े आभूषण पहनो? ये भक्ति नहीं। हाँ, पहनना चाहिए अपनी परंपरा के अनुसार, लेकिन तुलसीदास जी ये कहते हैं रामचरितमानस में, भक्ति करत नर बिन ही प्रयासा। भक्ति करने के लिए आपको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति करत नर बिन ही प्रयासा, और फिर क्या होगा? संस्कृति मूल अविद्या नाशा। अगर आप सहज होकर, सरल होकर, निश्चल होकर अगर भगवान के आगे जाकर खड़े हो जाते हो ना महाराज, तो उसी समय भगवान की कृपा दृष्टि से आपके जीवन की अविद्या का नाश हो जाता है। एक और बात, जो भी कर्म करो, जो भी काम करो, जगत के काम तो करने पड़ेंगे, बगैर काम किए तो जगत चलता नहीं। जो भी काम करो ना, सारे के सारे काम भगवान के प्रति समर्पित होकर के करो। रोटी बना रहे हो ना घर में, रोटी आटा गूंथ रहे हो, तो ये सोचो कि भगवान के लिए आटा गूंथ रहे। सब्जी काट रहे हो भगवान के भोग लगाने के लिए,
रोटी बेल रहे हो भगवान का नाम लेकर, एक और बात भोजन कर रहे हो तो भगवान का नाम लेकर। कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, जो मनुष्य अपने जीवन के सारे कर्म मुझे समर्पित कर देता है ना, उसके सारे के सारे योगों का क्षेम का वहन भी मैं कर लेता हूं। अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। गीता कहती है योग क्षेमं वहाम्यहम्, सारे के सारे योग। गीता में और कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। 12वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 12वां अध्याय भक्ति योग। कपिल भगवान आज देवहूति को भक्ति योग का उपदेश दे रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवहूति को भक्ति योग का उपदेश देते हुए तत्वों का वर्णन किया। प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करते हुए अष्टांग योग को बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग, समाधि की विधि, भक्ति का मर्म, काल की महिमा और देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति किस प्रकार होती है, इन सब का ज्ञान करवाते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता ध्यान देकर के सुनो। हे माता ध्यान देकर के सुनो, यह जीव अपने कर्मों के अनुसार भगवान की प्रेरणा से शरीर धारण करने के लिए किसी पुरुष के वीर्य कणों के द्वारा किसी स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। 5 दिन में वह वीर्य की बूंद बैर के समान आकार ले लेती है। हमारा जो जन्म होता है ना महाराज, आज हम जो इतने लंबे चौड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, हमारा जन्म माँ के पेट में किस प्रकार होता है उसका विज्ञान और उसका साइंस मेरी भागवत कथा बता रही है। किस प्रकार हमारा निर्माण होता है, भगवान ने हमें किस प्रकार से घड़ा है, किस प्रकार का आकार दिया, वो कथा आ रही है। कपिल भगवान कहते हैं कि 5 दिन में वह वीर्य माँ के पेट में बूंद बूंद रूप में रहता है और 10 दिन में वह एक बैर के समान हो जाता है। 1 माह में उस जीव के सिर और 2 माह में 2 हाथ और 3 माह में पांव बन जाते हैं और 3 महीने में ही नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं। 4 माह में मांस आदि 7 धातुओं का निर्माण होता है और 5वें महीने में ये जीवात्मा माँ के उदर में घूमने लगता है। जब उस जीवात्मा को 5वां महीना होता है ना, जब कोई माँ सगर्भा होती है तो 5वें महीने में माँ के पेट में माँ को हलचल दिखाई देती है कि कोई और पेट में बैठा है। जिन माँ ने गर्भ धारण किया उन्हें ये अनुभूति होगी। 5वें महीने में वो इधर उधर घूमने लगता है और उस जीव को भूख प्यास लगती है और 7वें महीने में माँ जो कुछ भी खाती है उसका रस ग्रहण करके वो जीवात्मा उदर में पुष्ट होती है। 7वें महीने के बाद जो भी माँ खाती है और माँ के द्वारा खाए गए अन्न से गर्म, तीखा, खट्टा जो कुछ भी उस जीव को महसूस होता है ना, उससे उस जीव को माँ के पेट में बड़ी पीड़ा होती है, फिर वो गर्भ में रोने लगता है। इसलिए हमारा शास्त्र ये कहता है कि जब भी किसी माँ का गर्भ धारण हो जाए तो उसे कौन सा अन्न खाना चाहिए, कैसा अन्न खाना चाहिए, किस भोजन को करना चाहिए। पुराने जमाने में तो जो दादी, नानी और अनुभवी सास माताएं होती थी ना, उनको पता होता था कि 9 महीने तक क्या क्या खिलाना है। ध्यान होता था कि नहीं होता था, करते थे ना। और आजकल खान पान का बहुत ध्यान रखते थे महाराज, कैसा अन्न खाएं, किस प्रकार का अन्न खाएं, कहां का अन्न खाएं। उससे देखो शिशु के भीतर जो संस्कार की जो पाठशाला है ना महाराज, ध्यान देकर सुनना, वो गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। गर्भ से, ये मत सोचना कि बच्चा पैदा होगा फिर बड़ा होगा
फिर श्रवण कुमार की तरह हमें बैठा करके और गंगा जी में ले जाएगा। आहा, भूल जाना महाराज, पाठशाला जो है ना शिशु की, वो गर्भ में ही आरंभ हो जाती है। माँ को चाहिए कि जब भी वो गर्भ धारण करे, उसी दिन से अपने खान पान का, दिनचर्या का, आहार विहार का पूरा ध्यान रखे। रोजाना भागवत का एक अध्याय पढ़े, रामायण की चौपाइयां पढ़े, गीता के पाठ करे, अपने गुरु मंत्र का जप करे, अपने इष्ट मंत्र का जप करे। महाराज, मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि अगर कोई सगर्भा स्त्री इन नियमों का पालन कर ले तो आज भी कलयुग में आपके घर में ध्रुव पैदा हो सकता है, प्रहलाद पैदा हो सकता है। प्रहलाद भगवान तो आने को तैयार है ना, भगवान तो राम बनकर आने को तैयार है, कौशल्या जैसी कोख कहां से लाए। भगवान तो कृष्ण बनकर आने को तैयार है, देवकी जैसी कोख कहां से लाए। भगवान तो ध्रुव बनकर आने को तैयार है, सुनीति जैसा उदर कहां से लाए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, आजकल आधुनिक माताएं क्या करती है, कोल्ड ड्रिंक पीती है, कोल्ड ड्रिंक, थम्सअप, कोका कोला, और महाराज पिज्जा खाती है, पिज्जा, आहा, बर्गर, पिज्जा, एक और वो आता है लंबा लंबा सा लटो जैसा, चाउमीन। क्या कर दिया आपने, कहां थी हमारी भारत की संस्कृति, कहां था हमारे भारत का वैभव, क्या थी हमारे भारत की परंपराएं, हम कहां भटक गए। कभी बैठकर विचार तो करना, कभी बैठकर सोचना, कहां हमारे हमारे घर से मेथी के लड्डू गायब हो गए, सूंठ के लड्डू गायब हो गए महाराज, हमारे घर में पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया। और मुझे हृदय से क्षमा करना, जेड़ो खाओ अन्न, ऊड़ो हुए मन। जैसा अन्न खाते हो ना वैसी संतान पैदा होती है। पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, चाउमीन खाओगे ना, बच्चे वैसे ही निकलेंगे शरीर में से, ध्यान रखना महाराज, वैसी ही संतान पैदा होगी। कपिल भगवान कहने लगे कि हे माता, गर्भ में माता के द्वारा खाए गए अन्न से इसे गर्म, ठंडा, तीखा, खट्टा आदि से जो पीड़ा होती है, तब यह जीव गर्भ में रोने लगता है और भगवान की स्तुति करता है। भगवान से वो जीव कहता है कि हे भगवान, मैं बड़ा अधर्मी हूं, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, इसीलिए आज मैं इस नरक में पड़ा हूं। क्या होता है माँ के पेट में बताओ ना, कोई तकिया लगा हुआ है, कोई कमरा है, एसी है, क्या है पेट में, कभी अपना पेट चीर कर देखना, क्या है पेट में, मल मूत्र रुधिर, वहां हम पड़े रहते हैं, ये हमारी अवस्था होती है। वो जीवात्मा रोता है कि मैं मल में पड़ा हूं, मूत्र में पड़ा हूं, रुधिर में पड़ा हूं, हे भगवान, ये आपने मुझे किस नरक में डाल दिया, हे भगवान कृपा करो, मुझे से नरक से बाहर निकालो। और भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। भगवान उस जीव की पुकार सुनकर के उसे कहता है कि देख देख, मैं तुझे इस नरक से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन मुझे एक वचन दे, मुझे वचन दे कि जब तू इस नरक से बाहर आएगा तो केवल और केवल मेरा भजन करेगा, मेरा भजन करेगा। और महाराज, आप और हम सभी भगवान को गर्भ में वो वचन देकर के ही माँ के पेट से बाहर आते हैं। जब वो जीवात्मा वचन दे देता है, भगवान कृपा करते हैं, नौवे महीने में प्रसव वायु के द्वारा एक धक्के के साथ में वो जीवात्मा माँ के शरीर से बाहर निकलता है और उसका जन्म हो जाता है। इस संसार में आकर वो आंख खोलता है, चारों ओर संसार के लोग उसे दिखाई देते हैं, कोई थाली बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गाल खींच रहा है, कोई महाराज उसका लाड दुलार कर रहा है। और कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, वो जीव मोह के वशीभूत होकर वासना में लिप्त हो जाता है, भूल जाता है वो क्या, वो वचन जो गर्भ में दिया था। गर्भवास में कॉल किया था मैंने हरि गुण गाने का, और मैं भूला तुझको हारे नाथ, मैंने देखी मौज जमाने की। धीरे 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 वो बड़ा होता है, और बड़ा होकर के और वो विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, और फिर शरीर का धर्म, एक दिन मौत उसको आकर घेर लेती है, और कर्मों के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और पुनः अपने कर्मों की गति से किसी मां के उदर में फेंक दिया जाता है।
फिर क्या होता है? वही बात जो शंकराचार्य भगवान चरपट पंजरिका में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेकर के आता है और इस जीवात्मा की ये यात्रा चलती रहती है। इसलिए हे माता, मनुष्य मात्र को ये चाहिए कि अगर वो मनुष्य जन्म धारण करके आया है तो केवल और केवल भगवान के चरण कमलों का चिंतन करे, चिंतन करे। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार आज कपिल भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया, सांख्य योग का उपदेश दिया और अपनी माता देवहूति को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। माता देवहूति ने हाथ जोड़कर भगवान कपिल से कहा कि हे भगवान, आपके द्वारा दिए गए उपदेश से मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान कपिल माता देवहूति को वहां पर आशीर्वाद देकर और स्वयं कर्दम ऋषि के आश्रम से उत्तर दिशा की ओर, ईशान की ओर प्रस्थान कर गए। और उधर माता देवहूति ने कपिल भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को धारण कर और अपने जीवन को और अपने शरीर को परमात्मा के चरण कमलों में हमेशा हमेशा के लिए लीन कर दिया। बोलिए कपिल भगवान की। बड़े आनंदित हो रहे थे राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के मुख से कथा सुनकर। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे गुरुदेव, कपिल भगवान का आख्यान सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। हे गुरुदेव, भगवान ने और कौन कौन सी विलक्षण लीलाएं की, भगवान ने और किस किस को उपदेश दिया, मुझे वो कथा कहिए। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, वो कथा मैं कहूंगा लेकिन कल दोपहर को, ठीक 2 बजे। आइए महाराज, आज की कथा को समय की भी महिमा है, हम यहां विराम दें, उससे पूर्व कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। कथा का समय 2 बजे का रखा गया है, 2 से 5 बजे तक कथा है, अभी 5:30 बज रहे हैं। जानते हो आधा घंटा कथा ज्यादा क्यों चली? कारण जानते हो? कारण ये है कि आप आधा पौन घंटा लेट आते हैं। 2 बजे कथा आरंभ करने का समय है, आपका स्वागत करने का समय नहीं है, मुझे हृदय से क्षमा करना। व्यासपीठ का ऐसा धर्म होता है कि जब व्यास जी महाराज आकर आसन ग्रहण कर ले, उससे पूर्व अगर कोई श्रोता आकर के बैठे तो वो कुशल श्रोता और सच्चा श्रोता कहलाता है। लेकिन महाराज यहां तो व्यास जी आकर बैठ जाते हैं, 2-4 भक्त ही आते हैं और फिर धीरे 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 लोडा खाते खाते फड़ोदीरी भाषा में केवे नहीं। और न जाने क्यों आप इतना लेट करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। 3 बजे री चाय पीर पछे आओ गए हैं। तो कौन कौन 3 बजे की चाय पी के आता है, हाथ खड़े करो। ये देखो कितने ईमानदार लोग हैं। तो चाय की व्यवस्था यहां कर दें आपके 3 बजे की, फिर तो कोई तकलीफ नहीं। धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, व्यास जी के आने से पहले आप आकर आसन ग्रहण करें। आपका आने का समय है 1:30 बजे। कितना? 1:30 बजे। आप 1:30 बजे आकर के यहां पर बैठे। और कल तो हमारी कथा में क्या होने वाला है बोलो, क्या है? कृष्ण का जन्म, भगवान का जन्म है। तो भगवान के जन्म में क्या लेट आओगे? कितने लोग कल भगवान के जन्म में लेट आएंगे, हाथ खड़े करो। और कितने लोग 1:30 बजे आकर बैठ जाएंगे, हाथ खड़े करो। कैमरामैन भाई इन सबको रिकॉर्ड कर लेना, देखेंगे कल हमारी कथा में कृष्ण जन्म होगा, भगवान का हम प्राकट्य। और खाली कृष्ण जन्म नहीं, कथा तो आज 3रे दिन की पूर्ण होनी थी, लेकिन जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तब शरीर हमारे वश में रहता नहीं। आज तो 2रे दिन की कथा भी पूरी नहीं हुई, कोशिश करेंगे कि कल, कोशिश क्या, कल तो कृष्ण जन्म करना ही पड़ेगा प्रसंग वसात। कल कृष्ण का जन्म होगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए कथा में। तो कृष्ण जन्म की कथा कहते कहते अगर कथा में थोड़ा सा लेट हो भी गया तो कौन कौन भक्त उठकर जाएंगे, हाथ खड़े करो। कोई नहीं जाएगा। कौन कौन ये चाहता है कि कल हम कृष्ण का जन्म करवा करके ही फिर घर जाएंगे, हाथ खड़े करो। अरे वाह, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए।
कल हम कथा में कृष्ण का जन्म करवाएंगे, कल हमारी कथा में नरसिंह अवतार भी होगा, वामन अवतार भी होगा, एक और बार राम अवतार भी होगा। कल आपको चार चार अवतारों के दर्शन होंगे हमारी कथा में। तो आइए आज की कथा को विराम दे हम आरती में प्रवेश करें, उससे पूर्व कोई भी माता कोई भी भक्त पंडाल छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि संत गुरुदेव विराजमान है। और मैंने प्रथम दिवस कहा था कि कथा के बीच में से जाना अपराध होता है, तो संत जब तक बैठे रहें हमें उठने का अधिकार नहीं होता, तो इसलिए आप बैठे रहेंगे। कुछ मंच की मर्यादाएं भी होती हैं, कुछ सूचनाएं भी होती हैं, वो सब यहाँ से दी जाएगी। उसके बाद में हम संतों के साथ में आज भागवत जी की आरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। और कल कृष्ण जन्म है, परसों हमारी कथा में नंद उत्सव मनाया जाएगा, तो कल कृष्ण के जन्म के लिए आप अपने बंधु बांधव और पड़ोसियों को भी लेकर के जरूर आइए। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ। प्रेम और भाव से बोलिए जय जय श्री कृष्णा, दोनों हाथ ऊपर करके। जिसको भगवान ने एक हाथ दिया वो एक हाथ खड़े करेंगे, जिसको दो हाथ दिए वो दोनों खड़ा करेंगे, और कुछ नहीं दिया खुद खड़े हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत ही सुंदर परम पूज्य प्रातःश्विनी है कथा व्यास श्री समित कैलाश चंद्र जी जोशी जी महाराज ने हम सबको आज जिस तरह से कथा का आनंद दिलाया, मैं चाहूंगा एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। और आज इस कथा में एक नहीं दो संत महात्माओं का, वो भी वृंदावन की पावन धन्य धरा से। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन धाम की। आ धरती है संत सूरमा कविया और विद्वानारी, पूज्य महाराज श्री कि आ धरती है संत सूरमा कविया और विद्वानारी, कण कण में गाथा गूंजे संता और अवतारारी, वीरा मान राखियो इनरो संत सवारिया सवरा काज, कवित कया कलमासो गावीजे गीता में आज, हिबड़ो हरक हिलोरा लेवे गर्व करो इन धरती पर, जलमिया ऐसे संत सूरमा धर्म राखियो धरती पर, धर्म राखियो धरती पर। ऐसे संत महात्माओं के श्री चरणों में हम वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और इस धार्मिक अनुष्ठान में जितने भी मेहमान पधारे हैं उन सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। किसी कलमकार ने लिखा है कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए और कौन जाने कब जिंदगी की भी वो आखिरी सांस आ जाए। हम तो वो वक्त ढूंढते हैं कि हमारी जिंदगी सनातन धर्म के काम आ जाए, सनातन धर्म के काम आ जाए। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, और हमारे बीच में जितने भी मेहमान पधारे हैं, और पूज्य महाराज श्री ने कहा कि कल ठीक आपको 1:30 बजे पहुंचना है। अगर आपको लगता है कि चाय माता की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो यहाँ पर चाय माता की व्यवस्था भी आपके लिए कथा के बाद ही होगी, पहले नहीं होगी। लेकिन 1 घंटा अमृतपान करो उसके बाद चाय माता। तो चाय माता की 2 पंक्तियां हैं, मैं गुरु महाराज कह दूं आज मारवाड़ी में कि चाय माता छत्रपति थने देखने पिया, घरे हाथ नहीं आवे कार्यक्रम में आने पिया, ऊपर चाड़ी देगड़ी नीचे दियो ताप, आड़े पाड़े छोरा बैठा बिचमा बैठो बाप, खुद पीहे ताड़ा भर भर टाबरा ना घाले नी छाटो, जद लुगाई बोली थारो मारो काई आटो, थोड़ो घाले चायरो छाटो। तो छाटो मिली 3:30-5 बजे मिली, पहला कोने मिले। तो हमारे बीच आज जितने भी मेहमान पधारे हैं उनका स्वागत और संत महात्माओं का आगमन हुआ है, उनके श्री चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिन महानुभवों ने हमें सहयोग राशि दी है जो कथा के निमित्त, उन सभी का हम एक बार में नाम लेना चाहूंगा। उनसे निवेदन है अगर यहाँ पर उपस्थित है वो मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें, व्यासपीठ से और संत महात्माओं से जो वृंदावन की पावन धन्य धरा से और जोधपुर से पधारे हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा 5,000 रुपए की सहयोग राशि कथा के निमित्त दिए है श्रीमती चंद्रा देवी वाइफ ऑफ हीरा लाल जी व्यास, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें। क्या कौन किसी को क्या देता है, देने वाला तो दिलदार ही होता है। आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से मंच की ओर पधारें। और श्रीमान जेठमल जी सुथार 200 रुपए की सहयोग राशि दी है कथा के निमित्त, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से मंच की ओर पधारें। जो कोई भी महानुभव, यहाँ पर भामाशाह भी है, उद्योगपति भी है, समाज सेवी भी है, कोई भी अपनी सहयोग राशि कथा के माध्यम से कथा में निमित्त देना चाहे, पीछे रसीद काउंटर लगा हुआ है, जितना हो सके। जरूरी नहीं है कि आपको 1 करोड़ रुपए देना है, आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, जितने अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी योग्यता अनुसार
पीछे रसीद काउंटर लगा हुआ है, वहां पर आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और आगे की कड़ी में मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान आसूलाल जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी मंच की ओर पधारे। आसूलाल जी खत्री, उन्होंने 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आपसे निवेदन रहेगा कि जल्दी से मंच की ओर पधारे। और 500 रुपए श्री नारायण जी हरी, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि जल्दी से मंच की ओर पधारे। और श्रीमान संजू जी हिमाचल से पधारे हैं, जो पूज्य महाराज श्री के जो साथ में रह रहे हैं, इनसे एक बार जोरदार तालियां, आशीर्वाद दे रहे हैं। संत महात्माओं का सहयोग देखिए आप, उनके लिए जोरदार तालियां, तालियों में किसी प्रकार की कोई कंजूसाई ना रखें। और पूज्य महाराज श्री के आप एकदम विशेषाधिकारी है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा ललिता जी चांडा, उन्होंने 5100 रुपए की सहयोग राशि दी है, उनके लिए जोरदार तालियां और मंच की ओर पधारे। और श्रीमान शिवदयाल जी व्यास, 5100 रुपए की सहयोग राशि दी है, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप जल्दी से मंच की ओर पधारे। और श्रीमान हाँ, और आपकी धर्म पत्नी नाम ही कितना प्यारा है, ममता जी, आपसे भी अनुरोध रहेगा जल्दी से मंच की ओर पधारे। धर्म पत्नी शिवदयाल जी की ममता देवी जी, जल्दी से मंच की ओर पधारे। श्री बालचंद जी, उनकी ओर से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, आपसे भी अनुरोध रहेगा आदरणीय बालचंद जी साहब कि आप मंच की ओर पधारें व्यासपीठ से और संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री कृष्णा जी अर्पण, जिन्होंने 500 रुपए की सहयोग राशि दी है, जो गुप्त दान के तौर पर राशि प्राप्त हुई है। और श्रीमती प्रमिला व्यास, उनकी तरफ से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच की ओर पधारें। और श्रीमती कंचन जी वाइफ ऑफ सुरेंद्र जी दवे, 500 रुपए की सहयोग राशि, आपसे निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से मंच की ओर पधारें। समय को ध्यान में रखते हुए पूज्य संत महात्माओं के चरणों में अपनी विनती करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, व्यासपीठ से भी आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी से निवेदन रहेगा, जिनके मैंने नाम उद्घोषणा की है आप जल्दी से मंच की ओर पधारे। और हमारे बीच जितने मेहमान पधारे हैं उनसे भी निवेदन रहेगा, मैं जिनके नाम ले रहा हूं एक एक करके जल्दी से मंच की ओर पधारे। हमारे जो संत महात्मा वृंदावन की पावन धन्य धरा से पधारे हैं, उनका आशीर्वाद लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा महंत सरस्वती आश्रम से महंत त्रिवेणी देवी जी, आपसे भी अनुरोध रहेगा जल्दी से मंच की ओर पधारे। श्रीमती कंचन देवी वाइफ ऑफ महेंद्र जी है, सुरेंद्र जी गलती से हो गया तो हम क्षमा याचना चाहते हैं। रसीद काउंटर पर भी ध्यान रखें, किसी का नाम गलत ना अंकित करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आगे साथ में आए हैं सरस्वती जी, सरस्वती आश्रम से चंद्रकला जी, आपसे भी निवेदन रहेगा जल्दी से मंच की ओर पधारें। एक एक करके जल्दी से मंच की ओर पधारें, व्यासपीठ से और संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कड़ी में श्रीमान प्रकाश जी बापना साहब, आपसे भी अनुरोध रहेगा श्री गोकुल धाम जो बेहतरीन सौगात देने जा रहे हैं फलोदी वासियों को, आप देख रहे हैं कमिंग सोन, जल्दी से आपके बीच में भव्यति भव्य और दिव्यति दिव्य, वहां पर आपका बहुत ही सुंदर सोसाइटी का वो एक सुंदर आपके मध्य लेके आ रहे हैं। आपसे निवेदन है जल्दी से प्रकाश जी बापना साहब मंच की ओर पहुंचे। राधे ममता शिवदयाल जी, शिवदयाल जी व्यास, आपसे भी निवेदन रहेगा जल्दी से मंच की ओर पहुंचे। अशोक जी व्यास मद्रास वाले, अपनी धर्म पत्नी सहित मंच की ओर पधारे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से। और श्रीमान घनश्याम जी बोहरा मलार वाले, आपसे भी अनुरोध रहेगा जल्दी से मंच की ओर पहुंचे। श्री चंद्रकला व्यास जी, आपसे भी अनुरोध रहेगा जल्दी से मंच की ओर पहुंचे। और श्रीमान ओम प्रकाश जी बिसा, जल्दी से मंच की ओर पहुंचे। पूर्णमल जी लोल्डिया मास्टर जी, अध्यापक जी, टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी मंच की ओर पहुंचे। और श्रीमान मधु जी सोनी चेन्नई से पधारे हैं, मद्रास की पावन धन्य धरा से, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप जल्दी से मंच की ओर पहुंचे। भाई के भाई, आपसे भी अनुरोध रहेगा, आप सब परिवार जोधपुर से पधारे हैं, आप भी संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। रुक्मणी बाई जी, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर पहुंचे। और मैं निवेदन करूंगा प्रकाश जी छगणी सह परिवार, आपसे भी अनुरोध रहेगा जल्दी से मंच की ओर पहुंचे। जगदीश जी लोहावट, अभी पूज्य गुरुदेव महाराज श्री ने आपका स्वागत किया, आपसे भी अनुरोध रहेगा पूज्य संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करें।
भातुबा पंचारिया, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि जल्दी से आप मंच पर पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा। श्रीमती कविता जी दवे, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप मंच की ओर पहुंचे। श्रीमती वीणा जी पुरोहित, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी मंच की ओर पहुंचे। एक बार इन मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें, तालियों में किसी प्रकार की कोई कंजूसाई ना रखें। और पूज्य जितने भी हमारे बीच में श्रोतागण हैं, हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ, भगवान की पूजा करो क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। इसलिए पधारे हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत, सम्मान, अभिवादन करते हैं। और आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है, कल भगवान श्री राम का भी जन्मोत्सव होगा और कृष्ण जन्मोत्सव भी होगा, तो आपसे निवेदन रहेगा कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर, क्यों नहीं कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान श्री राम जन्मोत्सव का आनंद लिया जाए। तो मैं सभी से निवेदन रहूंगा कल ठीक 1:30 बजे यह पूरा स्वर्ग भर जाना चाहिए। अनिल जी शर्मा साहब, आपसे भी अनुरोध रहेगा, अनिल जी शर्मा साहब और हमारे मध्य श्रीमान रमन लाल जी गोपाणी, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप मंच की ओर पहुंचे। और हमारे मध्य अमृतवाणी सत्संग मंडल, उनका भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर पहले तो स्वागत करें। अमृतवाणी जिसके अंदर अमृत ही अमृत की धारा बहती है, जितने भी यहाँ पर पधारे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और ठीक रविवार को वेद भवन में अमृतवाणी का आयोजन होता है, तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर क्यों नहीं उस अमृतवाणी का लाभ लिया जाए। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जितने भी मेहमान पधारे हैं उन सभी का स्वागत, सम्मान, अभिवादन। चिकन, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पंडित जी से, आरती की थालियां रेडी है, बहुत ही सुंदर, पंडित जी भी हमारे एडवांस में एकदम, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा एक थाली ऊपर, जो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी का आगमन हुआ है वो ऊपर से ही आरती करेंगे, और बाकी जितने भी मेहमान पधारे हैं वो ठीक व्यासपीठ के सम्मुख पधारे हैं, और बाकी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर भागवत जी की आरती करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करनी है, और जिसको भी यजमान बनना है सुबह पूजा में बैठना है वो अपना नाम पीछे लिखा दें, आपसे मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि फिर समय नहीं आ पाएगा आपको, पीछे काउंटर लगा हुआ है वहां पर जरूर नाम लिखा है। और यजमान बनने के लिए जो सुबह भागवत जी का पूजन होता है धर्मपत्नी सहित, तो उनका निवेदन रहेगा कि आप भी इसके लाभ लें, और साथ में अगर कोई दिन में जो प्रसाद बंटती है उसके भी कोई लाभार्थी बनना चाहे, लाभ लेना चाहे, वो भी नाम भी वहां पर रसीद काउंटर पर लिखवा सकते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब चलते हैं भागवत भगवान की आरती की ओर। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।